ओके सो गुड आफ्टरनून बच्चों। देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जेनेटिक्स ये चैप्टर शुरू किया है ना। उसका एक पार्ट वन नोट्स भी आपको मैंने सेंड किया था। और बेटा एक और मैंने चीज आपको भेजी है, आपने शायद सॉल्व किए होंगे या देखे होंगे। अगर आपने नहीं नोटिस अच्छा किया है तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के मैंने क्वेश्चंस भेजे हैं। अब वो क्वेश्चंस क्या है इसको बड़ा ध्यान से उसको सॉल्व करो, क्योंकि वो सारे ही क्वेश्चन आपके सिर्फ जो एनसीईआरटी टेस्ट बुक है उसके ऊपर ही है। क्योंकि देखो हमारा पैटर्न ही ये है कि एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, तो लाइन लाइंस का और क्या क्या है, और एकदम आखिरी में अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी उसमें है। बट आप वो सारे क्वेश्चंस करो, एनसीईआरटी को उसमें पढ़ो, तो वो चैप्टर थोड़ा सा आपको और भी अच्छा पकड़ में आएगा। ठीक है, इसके अलावा भी दो तीन बार इसके असाइनमेंट आएंगे, उसके बाद हम जेनेटिक्स के भी असाइनमेंट्स को सेंड करेंगे। क्लियर है? सो बच्चों लास्ट क्लास में क्या बात की थी हमने? हमने बात की थी कि किसी भी इंसान में, अगर हम इंसान बात करते हैं या ऑर्गेनिज्म, जो भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में हाफ एक हैप्लॉयड पोर्शन उसके मदर से आता है और एक हैप्लॉयड पोर्शन उसके जो है वो फादर से आता है। इसीलिए हम लोग दोनों जो सेट होते हैं क्रोमोसोम्स के, उनको मैटरनल सेट और पैटरनल सेट कहते हैं। तो जैसे कि इंसान में, मतलब ह्यूमंस में 23 पेयर होते हैं, तो 23 जो क्रोमोसोम है वो मैटरनल होते हैं और 23 पैटरनल होते हैं। तो जब ये पेयरिंग होता है, पहला क्रोमोसोम पहले के साथ पेयर होगा, दूसरा दूसरे के साथ, ये जो पेयरिंग होता है इन पेयर्स को हम लोग होमोलोगस पेयर कहते हैं। नाउ लास्ट क्लास में बेटा मैंने ये चीज डिप्लॉयड हैप्लॉयड वाली बात आपको बताई थी कि जब हम डिप्लॉयड ये वर्ड यूज करते हैं तो यहाँ पे दो अलील आपको देखने को मिलेंगे कभी भी एक सिंगल कैरेक्टर के, है ना। और जब हम हैप्लॉयड ये वर्ड यूज करते हैं तो एक ही अलील आपको देखने को मिलेगा किसी भी एक कैरेक्टर का। बहुत आसान है। ऐसा क्यों? क्योंकि हैप्लॉयड सेल में वन सेट होता है क्रोमोसोम का, ठीक है, और डिप्लॉयड सेल में दो सेट होते हैं क्रोमोसोम के। क्लियर है? सो देखो एवरी अलिल, यहाँ पे अब स्टेटमेंट यहाँ से शुरू होता है हमारा, एवरी अलिल इज अ जीन। हर अलिल जीन है बेटा, है ना। हर अलिल जीन ही तो है, क्योंकि वो जीन का ही तो टाइप है। सो एवरी अलिल इज अ जीन। ब्लू आई कलर इज अ जीन, आई कलर जीन, ठीक है। ब्लैक आई कलर इज आई कलर जीन, ठीक है। सो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरी अलिल इज अ जीन, बट ऑल द जीन्स मे और मे नॉट बी अलिल। कभी कभी कोई जीन ऐसे भी है जिनका कोई वेरिएशन मिलते नहीं है, है ना। जैसे कि मान लेते हैं हमारे बॉडी में डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम बनता है। अब वो बनता है मतलब वो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए चाहिए, तो सब में एक जैसा ही होता है, वो अलग नहीं होगा। इसका मतलब है कि बहुत सारे ऐसे भी जीन है जिनके कोई वेरिएशंस मिलते नहीं है, एक ही प्रकार का है। इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि हर जीन में अलील पाए जाए, ठीक है। जिसमें अलील नहीं है वो जीन है बस। सो एवरी अलिल इज अ जीन, बट ऑल द जीन्स मे और मे नॉट बी अलिल, ठीक है। देखो ये बात भी हमें समझना है कि हम लोग रेगुलेटरी जीन्स के बारे में जब बात करते हैं, है ना, आरआरएनए टीआरएनए बनाने वाले भी जीन है, ठीक है, तो उनके कोई अलील नहीं होते, है ना। दैट इज व्हाट द पॉइंट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल पॉइंट है। देखो यहाँ पे डीएनए, जीन और अलील, ये तीन टर्म लिखे हुए हैं। क्या मतलब है अलील को सबसे आखिर में क्यों लिखा है? क्योंकि सारे ही अलील जीन होते हैं इसीलिए, ठीक है, और सारे ही जीन डीएनए होते हैं इसीलिए। बट अगर आप ऐसे जाओगे वाइस वर्सा, ऑल डीएनए इज नॉट अ जीन एंड ऑल जीन्स आर नॉट अलील, इज इट क्लियर? सारे डीएनए जीन नहीं होते और सारे जीन अलील नहीं होते, ठीक है, बट ऑल अलील्स आर जीन्स एंड ऑल जीन्स आर डीएनए, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और यस नॉट? सर, ये बहुत सिंपल है। नाउ चलो अब ये ऐसे कोई क्वेश्चंस आते नहीं है, ठीक है, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट जनरेट करने के लिए ऐसी सारी पॉइंट हम लोगों को बोलना पड़ता है। चलो देखो क्वेश्चंस क्या आते हैं उसके आंसर समय आने चाहिए। अभी देखो इन अ डिप्लॉयड सेल, जब भी हम डिप्लॉयड सेल को देखेंगे, व्हेन एवर वी स्टडी द डिप्लॉयड सेल, तो बच्चों डिप्लॉयड सेल में हमें क्या देखने को मिलता है भाई? दो सेट होते हैं, होमोलॉगस क्रोमोजोम होते हैं, एक मैटरनल होता है भाई, एक पैटरनल क्रोमोजोम होता है। तो ये हम लोग बार बार यही बोल रहे हैं, ठीक है। सो जब भी हम लोग डिप्लॉयड के बारे में बात करते हैं तो वी हैव टू एन कंडीशन, है ना।
हमारे पास 2n कंडीशन होती है। तो जब भी 2n कंडीशन होगी तो उसमें आपको होमोजाइगस ये टर्म देखने को मिलेगा। नाउ व्हाट इज होमोजाइगस, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। देखो प्रेजेंस ऑफ सिमिलर अलील ऑफ अ कैरेक्टर, अगर दोनों मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम के ऊपर है ना, जब भी बेटा एक जैसे ही अलील मौजूद हो तो उसे हम लोग होमोजाइगस कंडीशन कहते हैं। अभी राउंड सीड है, आर कैपिटल आर कैपिटल आर, अगर ये प्रेजेंट है मैटरनल पे कैपिटल आर है, पैटर्नल पे भी तो ये होमोजाइगस कंडीशन है। अगर स्मॉल आर दोनों रेसेसिव है तब भी बेटा ये होमोजाइगस कंडीशन है। तो प्रेजेंस ऑफ सिमिलर अलील ऑफ कैरेक्टर इन ए डिप्लॉयड सेल, इसको बोलते हैं हम लोग होमोजाइगस कंडीशन। एग्जाम्पल है यहाँ पे कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, जिसको हम लोग प्योर कॉम्बिनेशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें कोई डिफरेंस है नहीं, दोनों ही क्रोमोसोम्स के ऊपर एक ही प्रकार का अलील मौजूद है, इसीलिए उसको हम लोग प्योर कॉम्बिनेशन बोलते हैं, प्योर ब्रिड बोलते हैं, प्योर लाइन बोलते हैं। अभी हेटरोजाइगस का भी मतलब आप समझते हो बच्चों, हेटरोजाइगस का मतलब है प्रेजेंस ऑफ डिसिमिलर अलील ऑफ अ कैरेक्टर। अभी सीड का कैरेक्टर है कैपिटल आर और स्मॉल आर, पैटर्नल पे कैपिटल आर और मैटर्नल पे स्मॉल आर है, इसका मतलब बेटा ये तो है नहीं एक जैसा, है ना, डिफरेंट करता है, बराबर है। यहाँ पे ये चीज अगर हमें देखती को मिलती है तो इस कंडीशन को हम लोग हेटेरोजाइगस कंडीशन कहते हैं, अगर डिसिमिलर अलील वहां पे प्रेजेंट है तो। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इसको हम हेटेरोजाइगस स्टॉल कहते हैं, इसी को हम हाइब्रिड कहते हैं या इम्प्योर कहते हैं, याद रखना इसे हम हाइब्रिड कहते हैं। अब ये टर्म बार बार यूज होगा, हाइब्रिड कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों? सर वो कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस शॉर्ट क्यों नहीं हो सकता? हाँ वो तो है ना लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो होता ही नहीं है वैसा, ठीक है। इसका आंसर हम लोग आगे बिल्कुल देखने वाले, यही तो पढ़ना है जेनेटिक्स में, तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना यही तो पढ़ना है कि ऐसा क्यों है भाई, है ना। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, मतलब वन ऑफ द कैरेक्टर इज ऑलवेज एक्सप्रेसेस और वो अनदर विल सप्रेस्ड, ठीक है। मतलब कैपिटल टी इसीलिए हम कैपिटल लिख रहे हैं क्योंकि वही एक्सप्रेस होता है, तो जो एक्सप्रेस होता है उसे डोमिनेंट कहते हैं, उसी को कैपिटल में लिखते हैं, समझ रहे हो, है ना। हमने कैपिटल टी लिखा है इसलिए वैसा नहीं, वो डोमिनेंट है, वो जब ये हेटरोजाइगस कंडीशन में जो अलील एक्सप्रेस होता है उसे हम कैपिटल में लिखते हैं, जो अलील है ना एक्सप्रेस नहीं होता उसे हम लोग स्मॉल में लिखते हैं। अब मैं थोड़ा और कंडीशन आपको हेटरोजाइगस में बताने जा रहा हूँ। देखो कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसा लिखने को मिलेगा, जैसे कि देखो आपको, आप लोग सब बता सकते हो, अगर मैं ये लिखूं कैपिटल ए स्मॉल बी तो बताओ ये हेटरोजाइगस कंडीशन है क्या? नहीं है, ये दो अलग अलग अलील लिखे हुए हैं तो यहाँ पे ये गलत है। आपको समझ में आती बात, कैपिटल ए स्मॉल बी, इज दिस हेटरोजाइगस? नो। अरे हेटरोजाइगस कंडीशन है क्या? नहीं है। हेटरोजाइगस कंडीशन क्या होगी? कैपिटल ए स्मॉल ए, मतलब एक ही कैरेक्टर के दोनों अलील जो है वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो कैपिटल ए स्मॉल ए ऐसा लिखा है तो इसका मतलब है बच्चों ये होता है हेटरोजाइगस कंडीशन। तो व्हाट इज कैपिटल ए? कैपिटल ए इज अ डोमिनेंट अलील एंड स्मॉल ए इज अ रिसेसिव अलील, क्योंकि जब दोनों एक साथ प्रेजेंट होंगे तो सिर्फ कैपिटल ए ही एक्सप्रेस होगा, स्मॉल ए एक्सप्रेस नहीं होगा। तो बच्चों थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा ध्यान देने का मतलब है कि मैं यहाँ पे एक पॉइंट लिखता हूँ, मैं कभी कभी ऐसा देखता हूँ बुक्स में ए प्लस ए, तो जब भी आपको देखने को मिलेगा ना प्लस पॉजिटिव कैरेक्टर, तो पॉजिटिव का मतलब ही होता है बेटा डोमिनेंट, ए प्लस ए, तो हेटरोजाइगस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसीलिए जो बड़े बड़े जेनेटिक्स की बुक होती है उसमें ऐसा लिखा होता है प्लस ए। अब इसका क्या मतलब है? स्मॉल ए इज द रेसेसिव और प्लस का मतलब क्या है? जो प्लस लिखा है बाजू में वो है डोमिनेंट वाइल्ड टाइप, ठीक है। तो ये लिखा हो, ये लिखा हो, ये लिखा हो, इट मींस सेम थिंग, एक ही चीज है। एवरीवन क्लियर? सर वो ए प्लस ए में से पहला ए वो ये डोमिनेंट, ये है, ये वाला डोमिनेंट है, ए प्लस इज अ डोमिनेंट एंड स्मॉल ए इज रेसेसिव। ओके, रेसेसिव को हम हमेशा उसके स्मॉल के लेटर्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ डिफर कर रहा है सिर्फ डोमिनेंट, या तो मैंने कैपिटल लिखा या तो ए प्लस लिखा या तो ओनली प्लस लिख के छोड़ दिया, समझ रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, एक बढ़िया कंसेप्ट देखते हैं, ठीक है। ये कंसेप्ट मैं आपको पहले दूसरे पेज के ऊपर समझा देता हूँ,
और फिर हम अपने पॉइंट पे आते हैं। बात करते बेटा एक फीमेल के बारे में, ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल में 22 ऑटोसोम्स होते हैं पेयर, ठीक है। ठीक है, और बेटा दो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, है ना, तो हो गए 46। बट ये दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक्स और एक्स होते हैं, बात आपको पता है ना। ये फीमेल में क्या होता है, 22 पेयर, है ना, 22 पेयर, या तो हम लोग उसको लिखते हैं 22, ठीक है, ए ए प्लस एक्स एक्स। तो ये जो कंडीशन है बेटा, ये है फीमेल की कंडीशन। इसका मतलब है, अगर मैं ये एक्स क्रोमोसोम का ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये एक्स क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये दूसरा एक्स क्रोमोसोम है बच्चों, ये फीमेल के केस में हमने बात की ना। अगर मैं इस एक्स क्रोमोसोम को ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे बेटा देखो, सपोज यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, तो यहाँ पे भी कलर ब्लाइंडनेस का जीन होगा, यहाँ हीमोफीलिया का जीन हो तो यहाँ पे भी हीमोफीलिया का जीन होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे बेटा हेयर स्ट्रक्चर का जीन है, तो यहाँ पे बेटा हेयर स्ट्रक्चर का ये जीन होगा, ठीक है। और बेटा यहाँ पे मान लेते हैं कुछ लेग्स का जीन है, तो यहाँ लेग्स का जीन होगा, है ना। यहाँ पे बेटा हाइट का जीन है, तो यहाँ पे हाइट का जीन होगा। अब मैंने जो चीज लिखी है, तो दोनों बेटा, है ना, दोनों आर्म, ये अपर आर्म है और ये लोअर आर्म है। अपर आर्म में जो भी है सिमिलैरिटी है, इसलिए अपर आर्म होमोलॉगस है। लोअर आर्म देखो तो लोअर आर्म भी होमोलॉगस है। होमोलॉगस का मतलब है कि दोनों तरफ एक ही प्रकार के जीन मौजूद है। ये जो होता है सेंट्रल पार्ट जो है, आप इसको पढ़ चुके हैं, इसे हम लोग सेंट्रोमियर कहते हैं, बराबर। यस सर। तो बेटा दोनों ही एक्स क्रोमोसोम एक ही जैसे है, बस इतना ही फर्क है, ये एक पैटर्नल है एक मैटर्नल, इतना ही है, एक फादर से आया एक मदर से आया है, इसीलिए। बट एंटायरली बोथ द एक्स क्रोमोसोम्स आर होमोलॉगस। नाउ देखो, यहाँ पे कैपिटल एच है, यहाँ पे कैपिटल एच है, होमोजाइगस कंडीशन है। यहाँ कैपिटल सी है, यहाँ कैपिटल सी है, होमोजाइगस कंडीशन है। यहाँ कैपिटल एच एस है, यहाँ पे कैपिटल एच एस है, होमोजाइगस कंडीशन है। यहाँ कैपिटल एल है, यहाँ पे भी कैपिटल एल है, होमोजाइगस कंडीशन है। यहाँ कैपिटल टी है, यहाँ स्मॉल टी है, हेटेरोजाइगस। दिख रहा है आपको, हेटेरोजाइगस दिखा, है ना। यस सर। जीन तो एक ही है, जीन तो एक ही है, दोनों दो दो अलील है हर एक के। राइट नाउ, अब हम बात करते हैं ह्यूमन मेल के बारे में। ह्यूमन मेल में यही कंडीशन जो है, इसको हम लोग लिखते हैं लाइक दिस, 22 ए ए प्लस एक्स वाई। अब यहाँ पे जो बाकी ये वाले क्रोमोसोम तो सेम है, 22 ऑटोसोम्स आर सेम, मेल हो या फीमेल हो, एग्जैक्टली। डिफरेंस कहाँ पे है, डिफरेंस तो यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंस इज दिस। राइट नाउ इफ आई विल ड्रॉ द एक्स क्रोमोसोम इज ऑलवेज लाइक दिस। क्या होता है, अरे मान लेते हैं यहाँ पे एच एस जीन है, ठीक है, यहाँ पे एल जीन है, यहाँ पे टी जीन है, ओके है तो है, बढ़िया है। ऑन दिस एक्स क्रोमोसोम यहाँ पे बेटा आपका कलर ब्लाइंडनेस का जीन है, यहाँ पे जो है ऑब्वियसली हीमोफीलिया का जीन है। तो जो जीन है वो है एक्स क्रोमोसोम पे, जो होता है वो है ना, वो एक्स लिंक्ड है, एक्स के ऊपर ही होगा। राइट नाउ इफ आई विल ड्रॉ द वाई क्रोमोसोम, हाउ इट विल ड्रॉ, सी ये लोअर जो आर्म है, यहाँ पे भी एच एस है, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी टी है, सेम टाइप है यार। सेंट्रोमियर के नीचे जो है वाई क्रोमोसोम सेम है विद द एक्स क्रोमोसोम, बट डिफरेंस है बेटा यहाँ पे, ये जो अपर पोर्शन है ना, ये थोड़ा छोटा होता है और इसके ऊपर अलग प्रकार के जीन प्रेजेंट होते हैं। जैसे उस दिन मैंने हेरी पिन्ना वाला या हाइपर ट्राइकोसिस का जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, या तो एस आर वाई जीन जो है मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। बट वही जीन बेटा, है ना, इस साइड में प्रेजेंट नहीं है। तो आपको दिखाई दे रहा है कि एक्स और वाई क्रोमोसोम के जो निचला वाला आर्म है वो होमोलॉगस है। यस एवरीवन। यस सर। बट जो अपर आर्म है बेटा, एक्स और वाई क्रोमोसोम के बीच में फर्क है ना, इधर जो जीन्स प्रेजेंट है वैसे जीन इस साइड प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए इनको हम लोग बोलते हैं नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। करेक्ट है? यस सर। क्लियर है रे सबको? सर तो फिर ये हेटेरोजाइगस नहीं रहेगा ना? वही तो, अभी तो समझो ना, यही तो बात है।
अब यार ऊपर वाली कंडीशन में ना मैं होमोजाइगस बोल सकता हूँ ना मैं हेटरोजाइगस बोल सकता हूँ, क्योंकि है ना क्लरल ब्लाइंडनेस का जीन इधर है बट इधर है ही नहीं यार, है ना, क्योंकि उसका पार्टनर जो है वो है ही नहीं, वो होमोलॉगस ही नहीं है। हिमोफीलिया का जीन इधर है बट उस साइड में नहीं है, या तो SRY जीन जो है वो इस साइड में है बट एक्स क्रोमोसोम पे नहीं है। हिपो जो हाइपर ट्राइकोसिस का जीन है बेटा वो वाई क्रोमोसोम पे है बट बेटा एक्स क्रोमोसोम पे नहीं है। मतलब नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम के ऊपर जब भी अलील प्रेजेंट होते हैं तो ना ही मैं उनको होमोजाइगस बोल सकता हूँ और ना ही मैं उसे हेटेरोजाइगस बोल सकता हूँ। क्लियर है क्या रे? यस सर। क्योंकि जाइगोसिटी नहीं है, दो पेयर नहीं दिख रहा ना, ठीक है, तो नॉन होमोलॉगस, तो फिर हम उनको क्या बोलते हैं, हम लोग उनको बोलते हैं हेमीजाइगस। क्या मतलब होता है? आधा ही है, पूरा है ही नहीं, हेमीजाइगस। क्लियर है? तो बेटा SRY जीन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दी हेमीजाइगस कंडीशन। हाइपरट्राइकोसिस जीन इज, तो हेमीजाइगस जीन कहां प्रेजेंट होते हैं कौन बताएगा? दे आर ऑलवेज प्रेजेंट ऑन दी नॉन होमोलॉगस रीजंस ऑफ दी एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, करेक्ट है क्या? हेमीजाइगस एलील कहां प्रेजेंट होते हैं? प्रेजेंट ऑन दी नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ दी एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, दैट्स इट, डन। अब ये एक्चुअली आपके नोट्स में इन्वॉल्व किया है मैंने बट पहले यहाँ पे इस साइड में समझा दिया, लेट्स मूव टू योर नोट्स। सर हाँ बोलो। सर वाई क्रोमोसोम हमेशा शॉर्ट ही रहता है? बिल्कुल, अगर आपको कोई पूछे भी कि हमारे बॉडी में सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन सा है तो आंसर देना वाई क्रोमोसोम, ठीक है। सो व्हाट इज हेमीजाइगस? आपको दोनों समझ में आया, होमोजाइगस समझ में आ गया, हेटरोजाइगस समझ में आया, तो व्हाट इज हेमीजाइगस? हेमीजाइगस का मतलब क्या है? प्रेजेंस ऑफ सिंगल एलील ऑफ ए कैरेक्टर इन ए डिप्लॉइड सेल, एक पूरा डिप्लॉइड सेल होने के बावजूद उसमें सिंगल एलील मौजूद है। अब ऐसा कैसे हो सकता है? इसका एग्जाम्पल क्या है? जीन और अलील प्रेजेंट ऑन द नॉन होमोलॉगस आर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। अभी समझ में आती है बात? Yes, है ना? आपको समझ में आया, इसीलिए यहाँ पे मैंने डायग्राम भी डाल के रखी हुई है, 1 2, यहाँ पे देखो इसको 1 जीन बोला, इसको 2 बोला, यहाँ पे 4 जीला। तो अगर आप एक्स और एक्स मतलब फीमेल में देखोगे, इफ यू सी द केस इन केस ऑफ द फीमेल, फीमेल में तो दोनों ही कंडीशन है बेटा, आपको आपको होमोजाइगस भी देखने को मिल रहा है, हेटरोजाइगस भी देखने को मिल रहा है, मैंने शो किया यहाँ पे, यू कैन सी दिस वन, यस, है ना, होमोजाइगस हेटरोजाइगस दोनों चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो अपर आर्म पे भी वही होगा, लोअर आर्म पे भी हो मेरे को, बट जब आप एक्स और वाई क्रोमोसोम को पेयर करते हो तो बेटा ये चीज नहीं हो पाती, क्योंकि निचले वाले आर्म में तो ये हो जाता है, निचले वाले आर्म में तो ये हो जाता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। बट बेटा जो अपर आर्म्स है एक्स और वाई क्रोमोसोम के, क्योंकि वो नॉन होमोलॉगस है, क्योंकि उनके ऊपर के जीन अलग अलग है, इसलिए वहां पे सिर्फ हेमीजाइगस कंडीशन होती है। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू ऑल। यस यस सर। बहुत बढ़िया, चलो आगे चलते हैं। अब आते बेटा साधारण मुद्दों के ऊपर, व्हाट इज फिनोटाइप? फिनोटाइप बहुत आसान चीज है, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ अ कैरेक्टर। जो भी बेटा कैरेक्टर, आपको लीफ का शेप ऐसा है, स्किन बॉडी स्किन कलर ऐसा है, हेयर स्ट्रेट है, किसी क्या है, जो भी आपको कैरेक्टर आप ऑब्जर्व कर सकते हो ना, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इज अ फिनोटाइप, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर इज द फिनोटाइप। फॉर एग्जाम्पल हाइट, फ्लावर कलर, ये सारी चीजें बेटा फिनोटाइप है, बराबर है ना, ट्रेट कैरेक्टर जो भी आप बोलो ये फिनोटाइप ही तो है ना। हाइट के, हाइट इज अ कैरेक्टर, और हाइट के लिए ट्रेट हो सकते हैं, टॉलनेस इज अ फिनोटाइप, डॉर्फनेस इज आल्सो फिनोटाइप, बराबर है। तो कैरेक्टर और कैरेक्टर के वेरिएशन जिनको हम लोग बोलते हैं ट्रेट, ये फिनोटाइपिक कंसेप्ट है। फिर जीनोटाइप क्या है? जेनेटिक मेकअप ऑफ अ कैरेक्टर, मतलब किसी भी कैरेक्टर को आप देख रहे हो उसका जेनेटिक मेकअप जो होता है, अंदर क्या चीज है, फैक्टर, जीन, एलीलिक पेयर, होमोजाइगस है कि हेटरोजाइगस है, ठीक है कि हेमीजाइगस है, ये क्या चीज है जो अंदर है जेनेटिक मेकअप, उसको हम जीनोटाइप बोलते हैं। जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ये सब बेटा वही है। अब एक और कंसेप्ट यहाँ पे है जो आपके बुक्स में तो होता नहीं है, बस ऐसे ही है ना, आपको पता रहे इसलिए दिखा है, फिनोकॉपी। अच्छा ये फिनोटाइप जीनोटाइप समझ गए सब लोग?
सर। अच्छा आसान है वैसे। अभी देखो फिनोकॉपी का क्या मतलब होता है। फिनोकॉपी का मतलब है व्हेन डिफरेंट जीनोटाइप व्हिच नॉर्मली प्रोड्यूस डिफरेंट फिनोटाइप इट प्रोड्यूस ए सिमिलर एक्सप्रेशन ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशन। अब देखो यार आप लोग तो सीधी बात समझते हो कि कैपिटल टी है तो क्या आना चाहिए, प्लांट कैसा होगा तो बराबर। अरे कैपिटल टी कैपिटल टी है जीनोटाइप तो प्लांट का एक्सप्रेशन क्या होगा, टॉल। यस सर। अच्छा स्मॉल टी है तो क्या होना चाहिए, डॉर्फ। डॉर्फ होना चाहिए, श्योर है ना। यस सर। अब आपने बोल दिया, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कैपिटल टी है तो टॉल होगा, स्मॉल टी है तो डॉर्फ होगा। हमने क्या किया, हमने एक प्लांट देखा उसका जीनोटाइप बेटा स्मॉल टी है, वो एक्सप्रेस होना चाहिए डॉर्फ। हमने क्या किया, उसके सीड्स के ऊपर हमने गिबरेलिक एसिड डाल दिया। गिबरेलिक एसिड जानते हो आप लोग, बराबर है? Yes, एक हार्मोन है जो इंटरनोड की लेंथ बढ़ा देता है, इतनी बढ़ा देता है ये टॉल प्लांट बन जाएगा यार, ये प्लांट बन जाएगा टॉल। बट एक्चुअली जीनोटिपिकली वो स्मॉल टी। अभी फिर से पढ़ो फिनोकॉपी को। व्हेन डिफरेंट जीनोटाइप्स, क्या बेटा, व्हेन डिफरेंट जीनोटाइप विच नॉर्मली प्रोड्यूस डिफरेंट फिनोटाइप, बराबर। डिफरेंट जीनोटाइप्स है विच नॉर्मली प्रोड्यूस डिफरेंट फिनोटाइप्स इफ प्रोड्यूसेस सिमिलर एक्सप्रेशन, ये भी टॉल दिखा रहा है, ये भी टॉल है, ठीक है, ड्यू टू एक्सटर्नल कंडीशन, मतलब हमने ये डाल दिया कि गिबरेलिक एसिड, तो इसे मैं क्या बोलता हूँ, फिनोकॉपी बोलता हूँ। क्लियर है क्या रे? सर एक बार वापस एक्सप्लेन करोगे आप? सिंपल है, टॉल प्लांट तो टॉल होगा ही क्योंकि उसका जीनोटाइप टॉल है, बराबर है? यस सर। ठीक है, डॉर्फ प्लांट डॉर्फ होगा ही अगर उसका जीनोटाइप डॉर्फनेस का है, स्मॉल टी, बराबर है? यस सर। अब ऐसा हुआ कि डॉर्फनेस के जीनोटाइप होने के बावजूद बेटा प्लांट टॉल दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने कुछ एक्सटर्नल एप्लीकेशन किया, बराबर। Yes, sir. तो कभी कभी जीनोटाइप कैसा है ना ये मैटर नहीं करता, ये भी मैटर करता है कि उसके ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट हुए हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको समझाया था, जीन का एक्सप्रेशन सिर्फ जेनेटिक्स की वजह से नहीं होता, उसके जेनेटिक मेकअप से नहीं होता, उसके ऊपर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है उस हिसाब से बेटा वो एक्सप्रेस होता है, ठीक है। तो ऑल्दो इसका जीनोटाइप स्मॉल टी है, इसने डॉर्फ एक्सप्रेस होना चाहिए था बट वो टॉल बना, तो ये कॉपी है ना यार, किसकी कॉपी की इसने, इस फेनोटाइप की कॉपी की, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, फिनोकॉपी, करेक्ट है क्या? यस सर। इजी है ना, आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। यस एवरीवन। यस सर। हो गया, चलो बहुत बढ़िया यार। सर आप एक मिनट के लिए वो ऊपर का दिखा सकते हो? हेलो भाई क्या दिखा रहा है ये? हाँ सर। हो गया सर एक सेकंड। यस सर हो गया। ओके देखो नाउ यहाँ पे आते हैं डोमिनेंट एलील के बारे में। अच्छा सपोज बेटा अगर हम डोमिनेंट, अभी तो मैंने जो अभी जस्ट ने क्वेश्चन भी पूछा सर ये कैपिटल टी है स्मॉल टी है, तो कैपिटल टी तो वही है डोमिनेंट एलील होता है यार, जो एलील अपने होमोजाइगस कंडीशन में और अपने हेटरोजाइगस कंडीशन दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस हो जाए उसे मैं डोमिनेंट एलील बोलता हूँ। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी है तो प्लांट टॉल है, ठीक है ये तो अंडरस्टैंडेबल है, बट जब कैपिटल टी स्मॉल टी है तब भी प्लांट टॉल है, मतलब ये जो एलील है टॉलनेस का वो दोनों समय एक्सप्रेस हो रहा है, होमोजाइगस कंडीशन में भी और हेटरोजाइगस कंडीशन में भी, करेक्ट है कि नहीं? Yes, sir. तो ऐसे अलील को हम डोमिनेंट अलील बोलते हैं। तो क्या है रे डोमिनेंट अलील, अलील विच एक्सप्रेस इन होमोजाइगस एंड हेटरोजाइगस कंडीशन, इसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट अलील। क्लियर है क्या रे सबको? यस सर। अब आते हैं रेसेसिव अलील। रेसेसिव अलील कौन है, रेसेसिव अलील कौन है, अलील विच एक्सप्रेस only in its homozygous condition, जब ये small t homozygous होगा तभी express कर पाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं recessive allele, correct है क्या?
जो अलील सिर्फ अपने होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस हो पाता है उसे हम रिसेसिव अलील कहते हैं। जो अलील अपने होमोजाइगस एज वेल एज हेटरोजाइगस कंडीशन में भी एक्सप्रेस हो पाता है उसे वो डोमिनेंट अलील कहते हैं। अगर हम इसको और भी सिंपल मायने में देखें, जब भी हेटरोजाइगस कंडीशन आप देखो, जब भी आप हेटरोजाइगस कंडीशन देखो, हेटरोजाइगस कंडीशन होने के बाद जो अलील एक्सप्रेस हुए वो डोमिनेंट अलील है और जो अलील सप्रेस हो जाए वो रिसेसिव अलील है। करेक्ट है क्या? यस सर। ठीक है, तो ये है डोमिनेंट अलील एज वेल एज व्हाट द रिसेसिव अलील। अच्छा डन, अब आते हैं बेटा वाइल्ड अलील के केस में। वाइल्ड अलील को हाँ बोलो सर, जो कैपिटल टी स्मॉल टी है उसमें ड्वार्फ कंडीशन भी पॉसिबल है ना? नहीं है, इसीलिए तो रिसेसिव है वो, टॉल आएगा ही नहीं, सिर्फ टॉल ही होगा वो सर। पर कोई एनवायरमेंटल कंडीशन से नहीं होगा? नहीं होगा ना, क्योंकि कैपिटल टी मौजूद है, उसको दबा देगा वो। ओके सर। ठीक है, जब हम सिर्फ एक है ना इंट्रा अलेलिक कंडीशन देख रहे हैं तभी ये बातें बोलते हैं। अब आप बात बाद में समझोगे। जस्ट ने ये बात बोली सर एनवायरमेंटल कंडीशन, वो चीज दिखाऊंगा मैं, पर अगर मैं उसको अभी हाँ बोल दिया तो आप जो मेंडल को नहीं समझ पाओगे। ठीक है, यस सर। सो हर चीज का समय आएगा। अभी फिलहाल बेटा जब हम इंट्रा अलेलिक कंडीशन देख रहे हैं, एक जीन के दो अलील देख रहे हैं, तो एक अलील डोमिनेंट है तो दूसरा रिसेसिव है। ठीक है, ये बात को समझो। यस सर। नाउ अंडरस्टैंड करते हैं वाइल्ड अलील के बारे में। अगर हम बात करें वाइल्ड अलील क्या है, उस दिन मैंने एक केस लिया था लास्ट क्लास में, मैंने आपको बोला कि जाओ ह्यूमन बीइंग के पॉपुलेशन में 1000 लोगों को आंखों में देखो। ठीक है, आपको कौन सा कलर ज्यादा दिखेगा? आई कलर ब्लैक। ब्लैक दिखेगा ना, ये नॉर्मल बात है, मतलब आप गए भी नहीं तो भी आपको पता है, नॉर्मल है यार। आप आजू बाजू में देखो ना, बहुत से लोग ब्लैक आई वाले होते हैं। नाउ देखो वाइल्ड अलील क्या होता है, यही होता है द अलील विच इज ओरिजिनल। ओरिजिनल है मतलब आपको पॉपुलेशन में ज्यादा दिखाई देगा, मोस्ट कॉमन है कि नहीं? ब्लैक आई कलर इज मोस्ट कॉमन और नॉट? यस इट इज मोस्ट कॉमन, है ना, तो ओरिजिनल है यार। द अलील विच इज ओरिजिनल मोस्ट कॉमन एंड डोमिनेटिंग, डोमिनेट करता है मतलब डोमिनेट है इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा दिखाई देता है, उसको हम लोग बोलते हैं वाइल्ड अलील। और वाइल्ड अलील को ही हम लोग प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस मतलब डोमिनेंट। ठीक है, जो भी मैंने बताया था प्लस बताया था ना, प्लस ए है कि नहीं? Yes, ये है बस वाइल्ड अलील का मतलब यही है। वाइल्ड है मतलब यार घूमता फिरता है ज्यादा ही, है ना, पाया जाता है। नाउ म्यूटेंट क्या होता है, म्यूटेंट क्या है? ठीक है, द अलील विच अराइजेस ड्यू टू म्यूटेशन इन द वाइल्ड टाइप। अरे मतलब ऐसा है ना कि अगर वाइल्ड टाइप ओरिजिनल है, ओरिजिनल तो वाइल्ड टाइप है, ठीक है, बाद में क्या हुआ, जैसे कोलगेट की कंपनी निकाली गई, कोलगेट 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 बेचना शुरू किया उसने, क्या आपके है ना इसमें मंजन है, क्या मंजन में नमक है, क्या नमक में कोयला है, क्या ऐसा बाद में निकाला उसने, तो जो भी ये चेंजेस होते चले गए, जो ओरिजिनल कंपनी थी उसने अलग अलग प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया, तो सेम प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ वेरिएशन लाते गए। ठीक है, तो यही होता है, एक वेरिएशन पनपा म्यूटेशन से आया होगा, वो वाइड स्प्रेड है, उसको हम ओरिजिनल है ना अलील कहते हैं, ओरिजिनल अलील वाइल्ड अलील कहते हैं। अब यही वाइल्ड अलील धीरे धीरे उसमें कभी कभी म्यूटेशंस हुए और वो म्यूटेशंस टिक गए तो हम उनको बोलते हैं म्यूटेंट। क्या बोलते हैं? म्यूटेंट। द अलील विच अराइजेस ड्यू टू द म्यूटेशंस, ड्यू टू द म्यूटेशन इन द वाइल्ड टाइप, तो जो वाइल्ड अलील है उसमें म्यूटेशन चेंजेस होने की वजह से जो अलील पनप जाते हैं, जो अलील हमें देखने को मिलते हैं, उनको हम लोग बेटा म्यूटेंट अलील बोलते हैं। समझ रहे हो क्या? तो जितने भी रेसेसिव देखने को मिलते हैं ना, रेसेसिव, वो सारे म्यूटेंट है एक्चुअली, वाइल्ड नहीं है वो। ठीक है, पक्का? Yes. है ना, तो यहाँ पे हमें ये बात समझनी है ना, वाइल्ड अलील और म्यूटेंट। अब थोड़ा ध्यान से देखो, जनरली म्यूटेशन इज इन ए फंक्शनल जीन, अभी कोई भी एक फंक्शनल जीन है, ये कंसेप्ट बहुत सब लोग बड़ा ध्यान से सुनना समझना, नहीं समझ में आया तो 10 बार पूछना, आगे नहीं बढ़ जाना। ठीक है, मैं हूं यहीं पे। सो देखो, जनरली म्यूटेशन इन ए फंक्शनल जीन,
रिजल्ट्स इन ए नॉन फंक्शनल जीन। यहाँ देखो आपको ये समझ में आ रहा है, ये पॉइंट मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था किसी को अगर याद हो तो, विद रिस्पेक्ट टू द इंसुलिन जीन, सबको इफ यू रिमेम्बर मैंने बना है इंसुलिन ना, अगर इंसुलिन का जीन सीक्वेंस गड़बड़ हो गया तो इंसुलिन नहीं बनेगा है ना, या तो बनेगा तो काम नहीं करेगा ऐसा कुछ। सो एनीवे सी अंडरस्टैंड दिस, जनरली म्यूटेशन होगा जब भी किसमें फंक्शनल में वाइल्ड एलील में जब भी कोई म्यूटेशन होगा तो इससे क्या रिजल्ट आता है, इट रिजल्ट इन अ नॉन फंक्शनल जीन। हो सकता है नॉन फंक्शनल जीन बने, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। मान लेते हैं ये है ओरिजिनल जीन, वाइल्ड टाइप जिसको कहते हैं या अनमॉडिफाइड एलील है, ठीक है ओरिजिनल है। अब ये वाइल्ड टाइप क्या करता है, इसका काम क्या, इट फॉर्म्स ए नॉर्मल एंजाइम, ये एक पर्टिकुलर नॉर्मल एंजाइम बनाता है जब नॉर्मल फंक्शन करता है। इस नॉर्मल एंजाइम की वजह से एक ओरिजिनल फिनोटाइप हमें पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, वो ठीक है, ठीक है नॉर्मल अलील है, वाइल्ड टाइप अलील है, नॉर्मल एंजाइम बना रहा है और नॉर्मल उसका एक फंक्शन है ना, स्ट्रक्चर या फंक्शनल इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। हो सकता है कि वो कभी मॉडिफाई हो जाए है ना, म्यूटेशन अगर हो जाएगा उसके अंदर, उस वाइल्ड टाइप अलील में अगर कोई चेंज हो गया तो फिर क्या हो सकता है, तब उसे हम लोग बोलते हैं म्यूटेंट या मॉडिफाइड अलील, ऐसा बोलेंगे, क्या बोलेंगे, म्यूटेंट बोलेंगे या मॉडिफाइड अलील बोलेंगे। बट इसमें चार पॉसिबिलिटीज है, बड़ा ध्यान से इस चीज को समझो, चार पॉसिबिलिटीज क्या है चलो देख लेते हैं। मान लेते हैं जो ओरिजिनल जीन है वो बदल गया, तो उसमें पहली एक पॉसिबिलिटी है इट फॉर्म नॉर्मल एंजाइम, ये नॉर्मल एंजाइम बनाएगा, क्या करेगा बेटा, फॉर्म से नॉर्मल एंजाइम, मतलब जीन बदला उसके सीक्वेंस थोड़े बहुत चेंज हुए बट उसके नेचर में कुछ फर्क नहीं पड़ा, वो जो एंजाइम बना रहा था वैसा ही एंजाइम बना रहा है, इसी को हम सेम सेंस म्यूटेशन कहते हैं, सेम सेंस म्यूटेशन, करेक्ट है, पहले जो उसका सेंस आ रहा था अभी भी वही सेंस आ रहा है, चेंज नहीं हुआ, करेक्ट है क्या रे, यस सर, इट फॉर्म्स नॉर्मल एंजाइम, इसी को हम लोग बोलते हैं सेम सेंस म्यूटेशन, ठीक है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट, अगर म्यूटेशन हुआ तो हो सकता है कि वो जीन काम जरूर कर रहा है, वो एलील काम कर रहा है बट इट इज फॉर्मिंग अ लेस एफिशिएंट एंजाइम, मतलब वैसा एंजाइम नहीं बना पा रहा है जैसा होना चाहिए, तो लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रहा है, इसको बोलते हैं मिस सेंस म्यूटेशन, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, मिस सेंस म्यूटेशन। आपने सबने सुना है सिकल सेल एनीमिया के बारे में सुना है, ना आरबीसी डिस्क शेप बनते हैं, बराबर है, थोड़ा सा चेंज होता है, म्यूटेशन होता है, इसीलिए आरबीसी बनते जरूर है बट सिकल शेप बनते हैं, बराबर है? तो ये एक एग्जांपल है मिस सेंस म्यूटेशन का, क्या है मिस सेंस म्यूटेशन, एवरीवन क्लियर, यस सर। अच्छा एक और चीज होती है, फॉर्म्स नॉन फंक्शनल एंजाइम, एंजाइम तो बना रहा है बट वो काम ही नहीं कर रहा है, ये देखो इसमें फर्क है, लेस एफिशिएंट एंजाइम बना रहा है, ये नॉन फंक्शनल एंजाइम बना रहा है तब भी इसको क्या बोलते हैं, मिस सेंस बोलते हैं, क्योंकि एंजाइम तो बना रहा है वो है ना, चाहे काम कर रहा नहीं रहा हो चाहे थोड़ा थोड़ा काम कर रहा हो बट है तो मिस सेंस म्यूटेशन, इज इट क्लियर। चौथी चीज, फॉर्म्स नो एंजाइम, ऐसा म्यूटेशन हो गया कि वही जो अलील है वो एंजाइम ही नहीं बना रहा है एट ऑल, इट इज नॉट फॉर्मिंग, तो उसको बोलते हैं नॉन सेंस म्यूटेशन। तो आपको समझ में आ गया सेम सेंस म्यूटेशन क्या है, मिस सेंस म्यूटेशन क्या है और नॉन सेंस म्यूटेशन क्या है, ठीक है। yes, तो जब भी बेटा ये पॉपुलेशन में एक्सप्रेस होगा, लोसाई तो वही है, चेंज अगर हो भी गया लोसाई तो वही है, तो ये सारे ही बेटा अलील बन सकते हैं उसके, सेम सेंस वाला भी बेटा थोड़ा अलग फंक्शन कर रहा है तो भी बेटा उसका अलील है, लेस एफिशिएंट काम कर रहा है तो भी अलील है, नॉन फंक्शनल बना तब भी बेटा वो रेसेसिव अलील है ना, एकदम बने एंजाइम ही नहीं बना रहा है तो भी बेटा वो अलील है, ठीक है। So that is the way the original allele can express in different manners, ठीक है, कुछ पूछ रहे थे। हाँ सर, एक ऐसा म्यूटेंट नहीं होगा जो मतलब एक एंजाइम बनाता है जो ओरिजिनल से बेटर काम करता है? बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया ना, नॉर्मल एंजाइम आ गया, वो बेटर काम कर रहा है बट नॉर्मल एंजाइम आ गया, तो वो सेम सेंस है, ठीक है, बेटर काम कर रहा है क्या मतलब, ठीक है। So, see, अगर ये चीज होती है 1, 2, 3, 4 और बेटर एंजाइम्स नहीं होते, बेटर वो तब होते हैं जब नेचर उसे सिलेक्ट करता है, ठीक है, फेवरेबल,
कंडीशंस के हिसाब से बेटा जीन की वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है। ये शेयर मार्केट जैसा है, हर कंपनी हमेशा बेटा प्रॉफिटेबल नहीं होती, यस और नो, है ना। सो वही बात है बेटा, थोड़ा ध्यान से समझो, फॉर नॉर्मल एंजाइम, फॉर लेस एफिशिएंट एंजाइम, फॉर नॉन फंक्शनल एंजाइम, और आइदर इट विल नॉट फॉर्म एनी एंजाइम, बट ओरिजिनल जैसा है ना, ओरिजिनल वो ओरिजिनल जैसा काम नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ फर्क करेंगे। नॉर्मल एंजाइम बन रहा है बट थोड़ा सा अलग, ब्लैक, चलो ब्लैक कलर नहीं दे रहा बट ब्राउन कलर दे रहा है, बट नॉर्मल बन रहा है, समझ रहे हो आप, है ना। सो दिस इज व्हाट द वे वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो अलील ऐसे बनते हैं म्यूटेशन से, है ना, दैट्स इट। आगे चलते हैं, अब आते हैं बेटा कुछ नॉर्मल वर्ड्स की तरफ। वर्ड है ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होता है, ऑफस्प्रिंग क्या है, प्रोजेनीज, प्रोजेनीज प्रोड्यूस बाय द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में आपको मैंने क्लोन, ठीक है, क्लोन, रैमेट, ये वर्ड बताया था, यस सर, है ना। उसी वक्त ऑफस्प्रिंग भी बताया था, मैंने कहा था कि जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो पॉपुलेशन पैदा होती है उनको हम क्लोन बोलते हैं, ठीक है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होती है उनको हम लोग ऑफस्प्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे वो स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, सिबलिंग्स, ये बहुत आसान है। प्रोजेनीज ऑफ द सेम पेरेंट्स प्रोड्यूस एट अ डिफरेंट टाइम्स, है ना, उनको हम सिबलिंग्स बोलते हैं। एट द सेम टाइम भी आया तो भी सिबलिंग्स है, ठीक है, ट्विन्स है तब भी सिबलिंग्स है, ठीक है, बट सेम पेरेंट्स से आते हैं तो काउंट करें हमारे अंदर कितना लंबा डीएनए है भाई, 1.1 मीटर बताया ना मैंने लास्ट क्लास में, yes, sir. कितने जीन है, अप्रोक्सीमेटली 30,000 जीन है, 30,000 जीन है जो हमने स्टडी की है। तो अगर हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन अ हैप्लोइड सेट इज 30,000 इन ह्यूमन बीइंग्स, बराबर। इसको मैं सीधी बात बोलूं तो जीनोम, ह्यूमन बीइंग का जीनोम कितना बड़ा है, आंसर इज इट हैज 30,000 जीन अप्रोक्सीमेटली, करेक्ट है। तो व्हाट इज जीनोम, सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम फॉर एन ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके हैप्लोइड जो स्टेट होता है उसके ऊपर जितने भी जीन प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग उसका जीनोम कहते हैं, करेक्ट है क्या, सबको समझ में आया, सर, यस एवरीवन, किसी को डाउट है सर, वापस एक बार एक्सप्लेन, एक एस्चेरिचिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया उठाया आप लोग, ये बैक्टीरिया छोटा सा नन्ना सा प्यारा सा, इस बैक्टीरिया में एक ही क्रोमोसोम है सर्कुलर, ठीक है। आप ये सर्कुलर क्रोमोसोम बाहर निकाला और पता लगाया इसके ऊपर 100 जीन प्रेजेंट है, कितने रहे, 100 जीन, ठीक है। तो मैं बोलूंगा बताओ हाउ मेनी जीन्स आर प्रेजेंट इन द एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया, 100। अब मैं बोलता हूं, है ना, व्हाट इज द जीनोम काउंट ऑफ द एस्चेरिचिया कोलाई, 100, क्योंकि जीनोम का मतलब ये है सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स प्रेजेंट ऑन अ हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लोइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, ठीक है, जो भी उसकी मोनोप्लॉइडी होती है, मेरे 23 क्रोमोसोम के ऊपर जितने जीन प्रेजेंट है वही हमारा जीनोम है, क्योंकि दूसरे 23 पे भी वही जीनोम प्रेजेंट है, सेम जीनोम है, पेयर ही है ना यार, पेयर है, तो फिर डिप्लॉइड हो ट्रिप्लॉइड हो मुझे क्या करना है, हैप्लोइड पे जितने प्रेजेंट है वही उतने ही जीन, वैसे ही जीन बेटा डिप्लॉइड पे भी होंगे, इसीलिए हम सिर्फ हैप्लोइड नंबर को ही कंसीडर करते हैं, क्लियर है क्या, यस सर, ओके। नाउ वर्ड आता है बेटा जीन पूल, ये अलग ही शब्द है, ये क्या है, अभी एक इंसान लिया हमने, उस इंसान को पकड़ा, उसका क्रोमोसोम निकाले और पता लगाया उसमें 30,000 जीन है, बट बेटा क्या उसमें सारे अलील मौजूद है क्या, मान लेते हैं जब एक इंसान पकड़ लिया हमने, है ना, और उसको स्टडी की, अब यार उसमें ब्लैक कलर है आय का, तो बेटा उसमें ब्लैक कलर का अलील मौजूद है, बराबर है, बट बेटा ब्लू कलर का अलील, ग्रीन कलर का अलील, व्हाइट कलर का अलील, साले अलील उसमें मौजूद है क्या, नहीं है। अगर मुझे हर जीन का हर अलील चाहिए तो हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में मिलेगा ना,
यस सर। तो जीन पूल क्या है? सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स एंड देयर एलील्स ऑफ ए पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन में है ना कितने जीन्स है और उसके कितने एलील्स है, जो अगर हम लोग काउंट करते हैं तो उसको बोलते हैं जीन पूल। इसको बोलते हैं संग्रह। पूल का मतलब क्या है? संग्रह, कलेक्शन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज द जीन पूल। किसी भी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में सारे जीन के सारे एलील मौजूद नहीं होते, वो कहाँ पाए जाते हैं? इन द पॉपुलेशन। बराबर है। ब्लू कलर का आई आपको पॉपुलेशन में देखने को मिलेगा, ग्रीन भी देखने को मिलेगा, गोल्डन भी देखने को मिलेगा, ब्राउन भी देखने को मिलेगा, ब्लैक में भी देख, ब्लैक भी देख, बट एक ही इंसान में सारे देखने को मिलेंगे क्या आपको? नहीं। तो समझ रहे हो? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जीन पूल, सम टोटल ऑफ ऑल द जीन्स एंड देयर एलील्स ऑफ ए पॉपुलेशन। क्लियर है? यस सर। सबको क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आते हैं और एक बढ़िया कॉन्सेप्ट, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट देखो। यहाँ आता है पेनिट्रेंस। पेनिट्रेंस क्या है देख लो। इट इज द परसेंटेज ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स इन ए पॉपुलेशन विच शोज अ फिनोटाइप एसोसिएटेड विद देयर जीनोटाइप। अब जैसे मैंने बार बार ये बताया आपको, किसी भी इंडिविजुअल में वो जीन होने का ये मतलब नहीं कि उसमें वो कैरेक्टर आ ही जाएगा। ये बात क्लियर की? एनवायरमेंटल इंपैक्ट से हो सकता है कि उसमें वो जीन होने के बावजूद बेटा वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, करेक्ट है? यस सर। है ना? यस सर। ओके, अब इसी को हम लोग समझ, इसी को पेनिट्रेंस बोलते हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। बेटा एग्जांपल है ना, मान लेते हैं इफ 100 ऑर्गेनिजम्स इन ए पॉपुलेशन हैव डोमिनेंट एलील ऑफ अ कैरेक्टर। एक कैरेक्टर है, ठीक है, और ये कैरेक्टर का डोमिनेंट एलील 100 ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, बट ओनली 80 ऑर्गेनिजम्स शो डोमिनेंट एक्सप्रेशन, है ना, बस 80 ऑर्गेनिज्म जो है डोमिनेंट एक्सप्रेशन शो करते हैं, ठीक है। मतलब मान लो, मजेदार बात, कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, ये 100 प्लांट में प्रेजेंट है, ठीक है, बट सिर्फ 80 प्लांट ही टॉलनेस शो कर रहे हैं, बाकी 20 प्लांट ऑल दो वो है बट बेटा वो टॉलनेस शो नहीं कर रहे हैं, है ना। अभी जो जस्ट ने पूछा भी था, सर ये कैपिटल टी है तो ऐसा, ठीक है, तो इसको बोलते देखो एनवायरमेंटल रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे देखने को मिलता है 80 आउट ऑफ 100, तो पेनिट्रेंस क्या है? पेनिट्रेंस इज द परसेंटेज, इट इज द परसेंटेज ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स इन ए पॉपुलेशन विच शोज द फिनोटाइप एसोसिएटेड विद देयर जीनोटाइप। मतलब जैसा जीनोटाइप है वैसा ही फिनोटाइप हो, ये बेटा है ना जरूरी नहीं है। तो कितना परसेंटेज है यहाँ पे देख लो, जितने पर लोगों में जीनोटाइप प्रेजेंट है ना, उन सब में से सिर्फ 80 लोगों ने एक्सप्रेशन किया और 20 लोगों ने नहीं किया, इसलिए आ गया 80 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 100, तो आया 80% पेनिट्रेशन आया, ठीक है। देखो पेनिट्रेंस दो प्रकार का हो सकता है, कंप्लीट पेनिट्रेंस जो बहुत कॉमन है, ये 100% ही होगा, मतलब जो जीनोटाइप है वो एक्सप्रेस होगा, जैसे कि ये वाला जो कैरेक्टर है टॉलनेस वाला, वो अगर है कैपिटल टी है तो बेटा डेफिनेटली वो टॉल ही होता है प्लांट, डॉर्फ होने के चांस ही नहीं है, तो ये है 100% पेनिट्रेंस, वेरी कॉमन है। देखो इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस क्या है? इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस मतलब जब भी पेनिट्रेंस 100% से कम हो, मतलब जीनोटाइप अंदर है बट बाहर नहीं आ रहा है, एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो ये रेयर है, ये बहुत ही रेयर है। जैसे कि पॉलीडक्टिल, देखो पॉलीडक्टिल एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, ठीक है, वो बहुत लोगों में मौजूद होता है बट बहुत से लोगों में वो एक्सप्रेस ही नहीं होता, ठीक है। पॉलीडक्टिली वाला कैरेक्टर जो है उसका जीन बहुत से लोगों में प्रेजेंट होता है बट वो एक्सप्रेस नहीं होता, ठीक है। देखो इसको अलग ढंग से भी समझ सकते हैं हम लोग, जो कि बहुत कॉमनली भी होता है। कॉमनली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जानते हो ना आप लोग, ठीक है, बहुत ही ज्यादा वाइड स्प्रेड डिसीज है यार। ब्रेस्ट कैंसर का जीन मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, पता है आपको? हेलो, यस सर। हाँ, ब्रेस्ट कैंसर का जीन मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, ठीक है, बट ब्रेस्ट कैंसर के केसेस
ज्यादा करके बेटा मेल में पाए जाते हैं एज कंपेयर टू द फीमेल, ये पता है क्या आपको? इट्स अ वेरी रेयर फैक्ट, यू नो, पता भी नहीं हो ना, क्योंकि फीमेल्स में जब भी ब्रेस्ट कैंसर होता है तो उसकी फर्टिलिटी कमी कम हो जाती है, क्योंकि फीमेल्स में वो जल्दी डिटेक्ट हो जाता है, क्योंकि फीमेल्स में अगर लंप आ गया ब्रेस्ट में तो वो क्लियरली समझ में आता है ना, उस इंसान को भी पता चल जाएगा, ठीक है, डॉक्टर्स को भी पता चल जाएगा, लंप इज वेरी क्विकली डिटेक्टेड। बट इन केस ऑफ मेल इट रिमेन्स अनडिटेक्टेड। तो किसमें ज्यादा फैटल हो गया ये? किसमें ज्यादा फैटल हो गया? मेल में, याद रखना ये, ठीक है। अब आप डॉक्टर बनोगे तो ये सब बातें आपको है ना पता चलेगी, जब पहली पहली बार तो आपको लगेगा अरे ये क्या हो रहा है। एनीवे, तो मुद्दा ये है कि बेटा पेनिट्रेंस ऑफ द दिस जीन ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है, इज नॉट 100% करेक्ट है क्या ये आप समझ रहे हो? Yes, sir. इज नॉट, क्योंकि सब में तो है यार वो जीन, ब्रेस्ट कैंसर का जीन सब में है, मौजूद है। अब उसका म्यूटेशन होगा तो बेटा वो आगे चल करके ब्रेस्ट कैंसर कॉज कराएगा, नहीं तो नहीं कॉज कराएगा। तो हम लोग यही बात कर रहे हैं कि हमेशा ये जरूरी नहीं है कि वो जीन उसमें है, जीनोटाइप है तो उसमें वो होगा ही होगा, दैट इज नॉट द केस, ठीक है। उसमें परसेंटेज आते हैं, ठीक है, और जब परसेंटेज 100% से कम है तो उसे हम लोग इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस ऐसा कहते हैं। आई होप एवरीवन गॉट इट। यस यस सर। ओके, नेक्स्ट रीजन क्या है इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस के? ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर के वजह से वो अलील एक्सप्रेस नहीं हो पाता, या तो प्रेजेंस ऑफ द सप्रेसर और एपिस्टेटिक जीन। अब ये वाला कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो अभी उसने पूछा था कैपिटल टी एक्सप्रेस होगा नहीं होगा, तो ये हो सकता है। तो हम लोग, मैंने बोला था ना कि हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो एपिस्टेटिक जीन का कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। अभी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मैं क्या बोलूंगा, ठीक है, बट जब आप समझोगे, मैं पढ़ाऊंगा आपको एपिस्टेटिक जीन भी अपने इसी चैप्टर में, सो देन यही पॉइंट हम लोग बाहर निकालेंगे, फिर से बात करेंगे। एक तो देखो, एक्सटर्नल एनवायरमेंट दबा सकता है जीन के एक्सप्रेशन को, या तो हमारे इंटरनल एक्सप्रेशन जीन जो होते हैं दूसरे, वो भी बेटा हमारे जीन के एक्सप्रेशन को दबा सकते हैं, उनको हम लोग एपिस्टेटिक जीन बोलते हैं, ठीक है। जो अब एक जीन दूसरे जीन को दबा देता है, बोले तू मत एक्सप्रेस हो, चल मैं हूं ना, ठीक है। सो दैट कैन बी हैपन, ठीक है, पक्का। देखो पेनिट्रेंस एक है, उसका ही एक पहलू है एक्सप्रेसिविटी। एक्सप्रेसिविटी क्या हो सकती है, देख लो, इट इज द डिग्री ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ एनी कैरेक्टर, ठीक है। अब यार वही सिंपल है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि मेलानिन पिगमेंट बनाने वाला जीन है ना, सावलेपन का जीन सब में है, मौजूद है, उतना ही है, ठीक है, बट कुछ लोगों में बहुत ही ज्यादा है मेलानिन है ना, वो हो जाता है, तैयार हो जाता है, और कुछ लोगों में कम मेलानिन तैयार हो जाता है, ऑल्दो दे हैविंग दैट क्वांटिटेटिव, उतने ही जीन उनमें होते हैं सेम जीन। खास करके सावले लोगों में ये कैरेक्टर चीज आपको एक्सप्रेसिविटी के देखने को मिलती है, ठीक है। आप जाओगे यूरोपियन कंट्री में तो नहीं पता चलेगा, इवन बेटा जब अफ्रीकन निग्रोइड्स में आप देखोगे तो उनमें भी आपको ये चीज देखने को नहीं मिलेगी, बट जब इंडिया में आप देखोगे ना, ठीक है, ऑल्दो हैविंग द सेम अमाउंट, द सेम क्वांटिटी ऑफ द जेनेटिक फ्रेमवर्क, स्टिल द पीपल शो वेरी डिफरेंट पिगमेंटेशन। आपने देखा है सावला कलर, सावले चार सावले लोग एक लाइन में खड़े कर दो, आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, कैन यू, आया ना? अच्छा, ये ऐसा होता है, ठीक है। सो देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं एक्सप्रेसिविटी की, जैसे हम लोग इवन बेटा हमारे एक सिंगल पर्सन के बॉडी में भी एक्सप्रेसिविटी डिफर करती है मेलानिन पिगमेंटेशन की, वही जीन है, वही सेम पर्सन है, ठीक है। जो पोर्शन बेटा हमेशा कपड़ों से ढके हुए होते हैं, क्लॉथ से, उनका आप देखो पिगमेंटेशन अलग होता है, और जो है ना सोलर रेस को है ना एक्सपोज होते रहते हैं, उसका पिगमेंटेशन डिफरेंट होता है। हैव यू नोटिस्ड इट और नॉट इन सेम पर्सन, आई एम टॉकिंग अबाउट सेम पर्सन, यस, इट इज, इट हैपेंस, ठीक है। सो इट इज आल्सो ड्यू टू द एनवायरनमेंट, आपको पता है ना, लोग आते हैं फॉरेन कंट्री से, गोवा के बीच के ऊपर सोए हुए रहते हैं, बराबर है, क्या करते उधर, क्या करते हैं, टैनिंग है ना, टैनिंग क्या होता है,
टैनिंग क्या चीज है पता है ना आपको, है ना? उनको हमारे जैसा कलर चाहिए, बताओ। दे डोंट लाइक देयर कलर, हमको उनके जैसा कलर चाहिए। वी अप्लाई दिस क्रीम एंड दैट क्रीम, सो दिस इज वेरी वेरी, है ना, वियर्ड ह्यूमन नेचर। सो इट इज ऑल्सो ड्यू टू द एनवायरमेंट, एंड टैनिंग हो सकता है, पिगमेंटेशन वेरी कर सकता है, ऑल्दो हैविंग द डिफरेंट, है ना, जीन्स। एनीवे, सो एक्सप्रेसिविटी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि पेनिट्रेंस का ही बेटा एक अलग स्वरूप है। चलो अब आते हैं मेन इधर इधर पॉइंट पे, ये होता है देखो इनब्रीडिंग। इनको बड़े ध्यान से समझना, इनब्रीडिंग क्या चीज हो सकती है। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग का मतलब होता है ब्रीडिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज। ब्रीडिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज, जैसे कि सिमिलर जीनोम। जब हमने प्लांट किंगडम पढ़ा मेरे प्यारे बच्चों, तो सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ा कि नहीं? सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? इनब्रीडिंग है। ब्रीडिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज इनब्रीडिंग है। आप बड़ा ध्यान से ये पॉइंट याद रखना कि जब जब इनब्रीडिंग होती है, होमोजाइगोसिटी बढ़ती चली जाती है, मतलब प्योर लाइन बढ़ता चला जाता है, है ना, ऑफस्प्रिंग्स में प्योर लाइन बढ़ता चला जाता है जब इनब्रीडिंग होती है वेरी क्लोज रिलेटिव्स में, ठीक है, रिलेटेड स्पीसीज, स्पीसीज के अंदर, विद इन अ स्पीसीज, एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल्स में जब मीटिंग होता रहेगा, ठीक है, तो डेफिनेटली बेटा ऑफस्प्रिंग्स में होमोजाइगोसिटी आती चली जाती है। सो द चांसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ द रिसेसिव कैरेक्टर्स इंक्रीजेस। इसके वजह से, है ना, आने वाली प्रोजेनीज कमजोर होती चली जाती है, दे बिकम वीक एंड वीक एंड वीक इन फ्यूचर, ठीक है, क्योंकि उनमें रिसेसिव कैरेक्टर बढ़ते चले जाते हैं, होमोजाइगोसिटी बढ़ती चली जाती है और हेटरोजाइगोसिटी कम होती चली जाती है। जब मैं मेंडेल वाला कार्यक्रम पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये विथ एग्जाम्पल प्रूव करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ याद रखना, होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, ठीक है, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी तो रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, क्योंकि रेसेसिव कैरेक्टर तभी एक्सप्रेस होते हैं जब वो होमोजाइगस कंडीशन में आ जाते हैं, करेक्ट है ना। रेसेसिव कैरेक्टर कब एक्सप्रेस होते हैं? जब अपने वो होमोजाइगस कंडीशन में आते हैं। लीड्स टू इंफेरियर ब्रीड, और इससे जो ब्रीड आती है, आने वाली जनरेशन है बेटा, वो इंफेरियर लो क्वालिटी की तैयार होती है। अभी हमें किससे रिलेटेड बोल रहे हैं हम लोग बेटा, है ना, हॉर्टिकल्चर करते हैं, सेरिकल्चर करते हैं, कल्चर्स करते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है, इससे रिलेटेड ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं, इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, ऑल दिस। नाउ सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट जो है, दे शो द नेचुरल इनब्रीडिंग, उनमें नेचुरल इनब्रीडिंग होती है, ठीक है। देखो, फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स ये अच्छा है, यूजफुल है, इनब्रीडिंग हम लोग कराते हैं ताकि हमें प्योर लाइन चाहिए होते हैं, बट फॉर ह्यूमंस ये कि इसका कोई एप्लीकेशन है नहीं भाई इनब्रीडिंग का, और ये पॉसिबल भी नहीं है, ह्यूमंस में इनब्रीडिंग नहीं होता, ठीक है, फॉर ह्यूमंस नॉट अप्लाइड, बराबर है। सो ब्रीडिंग बिटवीन क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज, है ना, ये जो चीज होती है डेफिनेटली, देन देखो इससे फायदा ये होता है कि हमें प्योर लाइन वराइटीज मिलती रहती है, प्योर लाइन वराइटीज, होमोजाइगस वराइटीज बेटा हमको चाहिए। इवन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट की शुरुआत में प्योर लाइन लाने के लिए सेल इनब्रीडिंग ही कराई थी बहुत, ठीक है। सो दैट इज वेरी सिंपल। अब आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या इसमें से ये जो मैंने अभी बताया इनब्रीडिंग के बारे में, ये क्लियर है क्या आपको? यस सर। यस एवरीवन, ओके। अब अच्छा थोड़ा ध्यान देना, धीरे 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 बेटा इसका कॉम्पिटिटिविटी बढ़ती चली जाएगी। देखो आउटब्रीडिंग क्या है, आउटब्रीडिंग का मतलब है ब्रीडिंग बिटवीन डिस्टिंक्टली रिलेटेड मेंबर्स ऑफ द स्पीसीज। अब यार इसको समझो यार, मतलब क्या होता है, एक ही स्पीसीज में ही हो रहा है ब्रीडिंग, बट अलग अलग मेंबर्स है, दूर के बहुत दूर से पहचान में नहीं आते वैसे। इट इंक्रीजेस द हेटरोजाइगोसिटी, इट इंक्रीजेस द हेटरोजाइगोसिटी इन द ऑफस्प्रिंग्स, तो बिल्कुल डेफिनेटली हेटरोजाइगोसिटी बढ़ती चली जाती है। एंड चांसेस ऑफ रेसेसिव कैरेक्टर डिक्रीजेस, और रेसेसिव कैरेक्टर्स आने के चांसेस कम होते चले जाते हैं, इसी को थोड़ा सा हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। बट देखो हाइब्रिडाइजेशन इसे हम लोग नहीं कह सकते क्योंकि ये विद इन अ स्पीसीज हो रहा है, ठीक है, क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स एंड वेरी फार डिस्टेंट एनिमल्स या प्लांट्स, है ना, मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज जो है, अगर इनमें वो होता है तो ही बेटा
उसको हम लोग कहते हैं, जैसे कि देखो गन्ने की खेती है, गन्ने की खेती समझ लो, गन्ने की खेती देखिए किसी ने, गन्ने की खेती का एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं महाराष्ट्र में गन्ने की खेती होती है। महाराष्ट्र में दो एक वैरायटीज है बेटा गन्ने की, ठीक है। अभी सोलापुर कोल्हापुर में एक वैरायटी मिलती है गन्ने की, उनके ही प्लांट लेते हैं मेल और फीमेल, उनके बीच में हम लोग ब्रीडिंग कराते रहते हैं। ये क्या हो गया, इनब्रीडिंग किया, आउटब्रीडिंग है, इनब्रीडिंग है। अब हम लोग क्या करते हैं, हमने सोचा कि यार नॉर्थ में उत्तर प्रदेश में भी एक गन्ने की वैरायटी पाई जाती है, ठीक है। अब आपने सोचा यार चलो जो कोल्हापुर में सोलापुर में जो वैरायटी है गन्ने की, है ना, उसको हम लोग क्रॉस कर देते हैं किसके साथ में, द वैरायटी ऑफ द गन्ना प्रेजेंट इन द यूपी, ठीक है। तो फिर हम लोगों ने उनके बीच में ब्रीडिंग करवा दिया, हुआ तो बेटा विद इन अ स्पीसीज हुआ, एक ही स्पीसीज है बट डिस्टिंक्टली रिलेटेड है ना, ये महाराष्ट्रियन है वो यूपी का है कि नहीं, अजीब ही लग रहा है, है? दिस टाइप ऑफ दी, ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं आउटब्रीडिंग, इसको क्या बोलते हैं, आउटब्रीडिंग, ठीक है। तो ये समवॉट बेटा एक हाइब्रिडाइजेशन जैसा हमें लगता है, बट क्योंकि विद इन अ स्पीसीज है इसलिए हम इसको आउटब्रीडिंग ही बोलते हैं। नाउ देखो क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट शोज द आउटब्रीडिंग, तो जब भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो विद इन अ स्पीसीज होता है, अलग तो स्पीसीज में होता नहीं है, तो क्रॉस पॉलिनेटेड प्लांट शोज द आउटब्रीडिंग। देखो यहाँ पे एक मुद्दा है जो हमारे इंडियन ट्रेडिशन में भी देखने को मिलता है, और वो क्या है, मैरिजेस आर नॉट हेल्ड इन द सेम गोत्र, एक ही अपने ही गोत्र के, है ना, जो मेंबर्स होते हैं उनके साथ शादी करने को मना किया गया। अब ये गोत्र क्या था, गोत्र ऐसा कहा जाता है कि एक पर्टिकुलर कोई जो सबसे पहले दादा परदादा ऋषि मुनि के नाम से, ठीक है, ये गोत्र चलता है। एक कोई विश्वामित्र गोत्र है, कोई शांडिल्य गोत्र है, कोई भारद्वाज गोत्र है। अब गोत्र है मतलब दैट इज अ रेस, अ लाइन ऑफ, है ना, प्योर लाइन। इनका जीनोम, जीनोमिक आइडेंटिटी अलग है, इनकी जीनोमिक आइडेंटिटी अलग है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट गोत्र जो होते हैं इनके बीच में मैरिजेस करा सकते हैं, बट विद इन सेम गोत्र, है ना, गोत्र में, है ना, शादी नहीं करने देते, ऐसा रूल है। और इसके पीछे यही कारण है, इट इंक्रीजेस द होमोजाइगोसिटी, ठीक है। अगर गोत्र में ही शादी करा दी जाए तो होमोजाइगोसिटी बढ़ती चली जाती थी, अब वो ये तो जानते ही नहीं लोग, है ना। सो डेफिनेटली यहाँ पे ये एक फंडा है, मैरिजेस आर नॉट हेल्ड इन द सेम गोत्र, ठीक है, तो ये उसमें फंडा है। एनीवे अभी देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हाइब्रिड विगर के बारे में, क्या होता है जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, आउट ब्रीडिंग्स कराते हैं। तो पॉसिबिलिटी है कि जब भी हम आउटब्रीडिंग कराते हैं या क्रॉस कराते हैं तो सुपीरियरिटी हमको मिलती है, हाइब्रिड, है ना, हमको मिलते हैं ओवर देयर पेरेंट। मतलब देखो यार पेरेंट जो होता है उसमें जो फल लग रहे हैं पेरेंट प्लांट में, फ्रूट्स आ रहे हैं, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या क्वांटिटी अच्छी नहीं है, बट हम लोग दो प्लांट लेते हैं, एक में क्वालिटी अच्छी है, एक में क्वांटिटी अच्छी आ रही है, और दोनों को हम क्रॉस करा देते हैं, तो पॉसिबल है कि हमें ऐसा प्लांट मिले जिसमें अच्छी क्वालिटी और अच्छी क्वांटिटी दोनों ही हमें मिलती चली जाए, तो वो हो गया बेटा सुपीरियर ब्रीड, ठीक है, उसको ही हम लोग हाइब्रिड विगर कहते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग हेटेरोसिस भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम लोग, हेटेरोसिस कहते हैं, क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ देखो अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखो, इट इज नॉट परमानेंट। अभी जब भी कोई हाइब्रिड विगर आया, सुपीरियर क्वालिटी आ भी गई, मान लेते सुपीरियर क्वालिटी आ गई, ठीक है, एक पेड़ है ए नाम का, इसकी इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रोटीन बढ़िया होते हैं फ्रूट्स में, और बी नाम का भी पेड़ है सेम, है ना, उसी का, है ना, और उसमें बेटा वो फल तो उतना क्वालिटी का नहीं है बट उसमें क्वांटिटी बहुत आती है, एक एक ब्रांच के ऊपर 10 फ्रूट्स आते हैं, वाह, ठीक है, हमने क्या किया, क्रॉस करा दिया। अभी चार पॉसिबिलिटीज है, ठीक है, इस क्रॉस से क्या रिजल्ट आ सकता है, पहला रिजल्ट सुन लो, ऐसा प्लांट मिलेगा जो आपके, है ना, विचारों से बिल्कुल असहमत है, कौन सा, जिसमें क्वालिटी भी खराब है और क्वांटिटी भी खराब है, ऐसा भी प्लांट मिल सकता है, पॉसिबल है, है ना। दूसरा, ऐसा प्लांट मिलेगा जो ए पेरेंट जैसा है। तीसरा, ऐसा प्लांट मिलेगा जो बी पेरेंट जैसा है। या चौथा, वो जो हमें चाहिए, है ना, वो कैसा होगा बेटा,
वो है जिसमें दोनों ही क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंप्रूव्ड देखने को मिल रही है, बढ़िया है। बट जैसे ही हमें बेटा हाइब्रिड मिल जाता है तो फिर यार आप उसको टिकाओगे कैसे? इस जनरेशन में मिल गया, नेक्स्ट जनरेशन में वही कैरेक्टर वो एक ही जगह पे रहे, ये जरूरी है क्या? अरे समझ रहे हो, यस जरूरी है क्या? नहीं है, और ऐसा होता भी नहीं है। तो देखो इट इज नॉट परमानेंट, ये जो हेटरोसिस आता है ये परमानेंट नहीं है। इट मे डिक्रीज बाय इनब्रीडिंग। क्यों ऐसा क्यों करते हैं? देखो मुझे एक सुपेरियर प्लांट मिला, अब इस सुपेरियर प्लांट को मैं किसी भी दूसरे प्लांट के साथ क्रॉस कराऊंगा तो बेटा वैसे भी इसकी वो जो क्वालिटी है खत्म हो जाएगी नेक्स्ट जनरेशन में, तो मैं ये रिस्क नहीं लेता। अब मैं क्या करता हूँ, वो सुपीरियर प्लांट के बीच में सेल्फिंग कराता रहता हूँ, इनब्रीडिंग, इनका ही करा दो, इनका ही करा दो। बट इनब्रीडिंग से क्या होता है, इनब्रीडिंग से क्या होता है, होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, बढ़ती है, प्लांट वीक हो जाता है और वो सुपीरियर क्वालिटी भी नष्ट हो जाएगी। यही हमें समझना है, ठीक है? तो आप क्यों, आपको एक बार अगर कोई सुपीरियर क्वालिटी हाइब्रिड मिल जाती है तो ये मत समझना कि आपको बिल्कुल एकदम है ना, क्या बोलते हैं कि हमेशा के लिए वो क्वालिटी रह गई, नहीं रहता, ठीक है? इसीलिए ये ब्रीडिंग जो है ना, ब्रीडिंग के जो प्रैक्टिसेस है वो साइंटिस्ट लोग हमेशा करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, ठीक है? और हम नमें हमेशा बेटा नया नया ब्रीड बनाते रहते हैं उसी का, ताकि वो टिके रहे। सो इट इज नॉट परमानेंट, इट मे डिक्रीज बाय इनब्रीडिंग। अब यहाँ पे मे लिखा है मतलब हर बार ऐसा होता है, ये जरूरी नहीं है, बट बहुत बार ऐसा होता है। तो जब भी बेटा डिक्रीज होगा इनब्रीड, डिक्रीज इन द हाइब्रिड वीगर, हाइब्रिड वीगर जब भी डिक्रीज होता है ड्यू टू इनब्रीडिंग, इसी को हम लोग इनब्रीडिंग डिप्रेशन बोलते हैं। मतलब आप किसी भी प्लांट में सुपेरियर वैरायटी वाला ले लो, नॉर्मल प्लांट ले लो, उसका अगर इनब्रीडिंग करते रहोगे तो उसमें होमोजाइगोसिटी आती रहेगी, उसकी आने वाली जनरेशन कमजोर होगी, वीक पैदा होगी। इसी को बेटा हम लोग इनब्रीडिंग डिप्रेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। आगे बढ़ते हैं। नाउ देखो यहाँ पे एक और मुद्दा है, ये हो गया खत्म, ठीक है? ये सब इंट्रोडक्टरी पॉइंट है जो हम लोग आगे यूज करने वाले हैं, वही है ना, बिल्कुल इंट्रोडक्टरी पॉइंट है। देखो फॉर डोमिनेंट कैरेक्टर, अगर आप कोई डोमिनेंट कैरेक्टर देते हो जैसे टॉलनेस, अच्छा टॉलनेस ये कैरेक्टर है, डोमिनेंट है, डोमिनेंट अलील इज इसेंशियल फॉर एक्सप्रेशन। अगर बेटा अगर आपको डोमिनेंट कैरेक्टर चाहिए तो डोमिनेंट अलील होना ही चाहिए, तभी वो एक्सप्रेस होगा, होगा कि नहीं? यस सर। स्मॉल टी होने से, स्मॉल टी के अवेलेबिलिटी किससे कभी आ सकता है क्या? नहीं। सो डोमिनेंट अलील इज इसेंशियल फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ द डोमिनेंट कैरेक्टर। बट फॉर द रिसेसिव कैरेक्टर, रिसेसिव कैरेक्टर का क्या है, इट मे बी डोमिनेंट और रिसेसिव व्हेन डोमिनेंट इज नॉन फंक्शनल। कितने लोगों समझ में आया रे, कौन बता सकता है? नहीं समझ में। नहीं आया ना? देखो यहाँ पे देखो हम लोग बात करते हैं। देखो मैंने बोला ये है प्लांट टॉल है, ये टॉल क्यों है, क्योंकि हाँ डेफिनेटली कैपिटल टी इसके अंदर है। तो अगर मुझे टॉलनेस ये कैरेक्टर चाहिए तो डेफिनेटली बेटा टॉलनेस का अलील उसके अंदर होना ही चाहिए, करेक्ट है? यस सर। बट प्लांट अगर डॉर्फ आता है, ठीक है, तो प्लांट अगर डॉर्फ आता है तो सपोज मान लो कि इसके अंदर कैपिटल टी है, ये वाली कंडीशन है, तब भी प्लांट डॉर्फ आ सकता है। कैसे? ठीक है, जो जीनोटाइप डोमिनेंट है फिर भी वो डॉर्फ आ सकता है। क्यों? क्योंकि एनवायरमेंट अगर उसको इफेक्ट करता है या एपिस्टेटिक जीन उसको जबा देता है, तो ऐसे कंडीशन में डोमिनेंट कंडीशन वाला भी जीन जो है वो रिसेसिव कैरेक्टर ही देगा, ठीक है? बट फॉर रिसेसिव कैरेक्टर इट मे बी डोमिनेंट, मतलब जीनोटाइप डोमिनेंट होगा और रिसेसिव या रिसेसिव होगा, ठीक है, व्हेन डोमिनेंट इज नॉन फंक्शनल, पक्का? ठीक है सर, नहीं समझा है। अरे ये देखो ये कैपिटल टी टॉलनेस आना yes, चाहिए कि नहीं? बट अगर ये नॉन फंक्शनल हो गया तो, किसी को किसी ने दबा दिया तो, एनवायरमेंट ने इसको रजिस्ट कर दिया तो, ये एक्सप्रेस कर पाएगा क्या? नहीं। तो रेसेसिव कैरेक्टर रेसेसिव जीन होने से आएगा ही आएगा, ठीक है? yes, रेसेसिव होगा तो आएगा ही, डॉर्फ तो रेसेसिव होने से आएगा ही,
बट रेसेसिव कैरेक्टर तब भी आ सकता है जब डोमिनेंट जीन होने के बावजूद अगर वो एक्सप्रेस नहीं हो रहा, नॉन फंक्शनल है, तब भी वो आ सकता है। इस कंडीशन में भी प्लांट डॉर्फ हो सकता है, इस कंडीशन में भी प्लांट डॉर्फ हो सकता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा उसके अंदर, तो ये बाद में आपको काम आएगा, जस्ट है ना, अभी तो ये जस्ट पॉइंट हमने नोटिस करा दिया, बस हो गया। ओके, अब यहाँ पे कुछ फंडे और हैं, जैसे कि देखो यूजेनिक्स, ठीक है। यूजेनिक्स क्या होता है, ठीक है, ये टर्म दिया है एफ गैल्टन नाम के साइंटिस्ट ने। यूजेनिक्स क्या होता है, एफ गैल्टन ने दिया है। उन्होंने कहा कि हम ह्यूमन बीइंग के इम्प्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं, इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ द इनहेरिटेंस। हम लोग ये प्रिंसिपल्स यूज करें इनहेरिटेंस का, लॉ ऑफ डोमिनेंस यूज कर रहे हैं, लॉ ऑफ रिसेसिव, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूज कर रहे हैं। ये जो है मेंडल की जो स्टडी के कैरेक्टर्स है, जैसे कि हम ब्रीडिंग करा रहे हैं, ब्रीडिंग कराते हैं, एक प्लांट लिया, दूसरा प्लांट लिया, इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसकी क्वांटिटी अच्छी है, दोनों को मिला दिया, हाइब्रिडाइजेशन किया, अच्छी क्वालिटी का प्लांट लाया, अच्छे टोमेटो, अच्छा फ्रूट्स, अच्छा मैंगो, ये खा रहे हैं हम लोग। ये क्या है बेटा, यूजेनिक्स है। क्यों? क्योंकि हमने कौन से सिद्धांत यूज किए अच्छे क्वालिटी के मैंगो मैंगो बनाने के लिए, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस यूज किए, ठीक है। Yes, sir. इसको बोलते हैं यूजेनिक्स। दूसरा आता है यूथेनिक्स। यूथेनिक्स क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग इम्प्रूविंग देयर एनवायरमेंट। अभी क्या बात हुई यार, है ना, एनवायरमेंट अच्छा कर दो यार, कार्बन इमिशन कम करा दो, है ना, रिड्यूस द कार्बन इमिशन इन द एटमोस्फियर, बहुत बढ़िया है, है ना, बायोडीजल यूज करो, बराबर है, अच्छा बायोडीजल यूज करो, करेक्ट है। ये जब हम लोग करते हैं, पेड़ पौधे लगा दो, भयंकर पेड़ पौधे लगा दो, बढ़िया, एनवायरमेंट अच्छा हो जाएगा, करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। सो व्हेन वी डू दिस टू इम्प्रूव, मतलब हम एनवायरमेंट को बदल रहे, खुद को नहीं बदल रहे, ठीक है, और ना ही हम लोग कोई प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस यूज कर रहे, जेनेटिक्स का यूज नहीं कर रहे, हम नालियां साफ करा रहे, ठीक है, क्योंकि पानी ना जमा हो जाए। सो इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स बाय इम्प्रूविंग देयर एनवायरमेंट, अपने आजू बाजू का एनवायरमेंट ऐसा बना दो, ठीक है, अपने आजू बाजू के एनिमल्स प्लांट्स इनको इस तरह से बेटा एनवायरमेंट दे दो, उनको कंजर्व करो, ताकि बेटा ह्यूमन बींग्स का भी इम्प्रूवमेंट हो। इसको बोलते हैं यूथेनिक्स। इज इट क्लियर? यस सर। अब यूजेनिक्स एक और बार समझा सकते? यूजेनिक्स इज वेरी सिंपल। यूजेनिक्स का मतलब है जो भी जेनेटिक्स हमने आज तक पढ़ा है, हाइब्रिडाइजेशन के टेक्निक्स हमने पढ़ी है, उन चीजों को मैं अप्लाई करना शुरू कर देता हूँ, ताकि ग्रीन रिवॉल्यूशन हो, ब्लू रिवॉल्यूशन हो, जिससे अच्छे अच्छे क्वालिटी का बेटा फूड मिले, खाना मिले, दवाइयाँ मिले, ठीक है, अच्छे क्वालिटी के मेडिसिनल प्लांट्स बने। अब ये अगर मैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना, लिंकेज के कंसेप्ट, ये अगर मैं यूज करता हूँ, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस यूज करके जब हम लोग, है ना, इवन जैसे कि अभी मैंने जैसे कहा कि सेम गोत्र में शादी नहीं करनी चाहिए, ये भी तो यूजेनिक्स है। क्यों? हमें पता हो गया, क्योंकि डिसीज बढ़ते चले जाएंगे, जेनेटिक डिसऑर्डर बढ़ते चले जाएंगे, तो हमने क्या किया, अपने लाइफ में उसको अप्लाई करना अगर शुरू कर दिया, तो ये क्या हो गया यार, यूजेनिक्स है ना। आर यू श्योर? सब लोग समझ में आ रही बात? यस सर। जैसे अभी हम लोग देखो कुंडलिनी मैच कराते हैं, लड़का लड़की देखने जाते हैं, कुंडली लगाओ भाई, 36 गुण जुड़ गए, 32 गुण जुड़ गए, 18 गुण जुड़ गए, चलाओ उड़ाओ बाहर। दैट इज, हो सकता है कुछ दिनों बाद में लोग जीन्स मैच कराने लग जाए, है ना, जीन्स का कार्ड बनेगा, भैया देखो इसका डीएनए ऐसा, इसका डीएनए ऐसा, मैच करो, पता नहीं कहां से रिसेसिव कैरेक्टर आ जाए, ठीक है। या तो हम लोग इवन देखते हैं, अभी आजकल आप देखोगे तो शादियों में लोग देखते हैं, यार इसको थायराइड का प्रॉब्लम तो नहीं है, यस और नो, ठीक है, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, दैट इज मेंशन, क्योंकि उसका आगे चल करके बड़ी तकलीफ होती है। सो देखो यहाँ पे मुद्दा ये है कि अगर हम ये सब करते हैं, ठीक है, तो हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस यूज कर रहे हैं टू इम्प्रूव द ह्यूमन बींग्स लाइफ, दैट्स इट, ठीक है, इसे यूजेनिक्स। यूथेनिक्स क्या है, इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग इम्प्रूविंग देयर एनवायरमेंट। आता है यूफेनिक्स। यूफेनिक्स क्या है,
इम्प्रूवमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग बाय द यूज ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग और मेडिकल टेक्नोलॉजी. जैसे कि मैं आपको उदाहरण बताता हूँ. उदाहरण के तौर पे हमने क्या किया, अभी बहुत सारे लोग हैं यार, अफ्रीका में जाओगे ना आप लोग तो अफ्रीकन कंट्री में इतने लोग हैं, उनको खाने के लिए कुछ है ही नहीं भाई, कुछ भी नहीं है. मतलब देखो वो क्या खाते हैं यार, पोटैटो, आलू खाते हैं उबाल करके, है ना. अब वहाँ पे कंडीशन भी ऐसी है कि बहुत ऐसा रेगिस्तान है या ऐसे ऐसे कंडीशन है कि वहाँ पे ज्यादा अच्छे से, है ना. जिस तरह से इंडिया वगैरह हम लोग बहुत रिच है यार, अगर देखा जाए तो वी आर टू मच रिच रिगार्डिंग द फूड एंड वाटर एंड रिसोर्सेस. वी आर ना बहुत लकी लोग हैं हम लोग मान लेते हैं. बट वहां पे जाओगे तो वहां कुछ है नहीं. तो हमने क्या बनाया, ऐसे पोटैटो बनाए जिन पोटैटो में हम लोगों ने उसके सीड में ही ये जीन डाल दिया कि उन पोटैटो के अंदर प्रोटीन भी बने, क्योंकि पोटैटो में सिर्फ स्टार्च ही होता है. अब यार कोई भी इंसान सिर्फ स्टार्च खाएगा तो उसमें तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी आएगी कि नहीं आएगी, बताओ. यस सर. है ना, सिर्फ आलू खा रहा है, आलू खाएगा तो प्रोटीन की डेफिशिएंसी आ जाती है ना. मैरास्मस, क्वाशियोरकर, ये डिजीजेस आपने पढ़े होंगे यार, है ना, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर में, बराबर. तो बेटा डेफिनेटली अगर हम ऐसा करते हैं, हम ऐसे प्लान बनाते हैं, जैसे अभी इंसुलिन के जीन के बारे में मैंने बताया था. बहुत सारे लोग हैं यार जिनको डायबिटीज होता है, जिनके अंदर इंसुलिन बनता ही नहीं बॉडी के अंदर, तो फिर क्या करेंगे, क्या करोगे आप बताओ. हमने क्या किया, ह्यूमन बींग का इंसुलिन का जीन निकाला, एस्चेरिचिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया में डाल दिया, देखा कि वो, है ना, और पता भी चला कि इंसुलिन एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया है, उसके अंदर ये इंसुलिन जीन काम करने लग गया और वो इंसुलिन प्रोटीन बनाने लग गया. अब वो इतने तेजी से डिवाइड होते हैं बैक्टीरिया, 20-20 मिनट में अपने डबल करते हैं पॉपुलेशन. अब भी 1 मिलियन है तो 20 मिनट में 2 मिलियन हो जाते हैं वो लोग. तो बेटा वो इतने तेजी से डिवाइड होते हैं और इतने तेजी से वो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं. तो हमने क्या किया, वो जीन बैक्टीरिया में डाला, वो बैक्टीरिया प्रोटीन बनाता है और लार्ज स्केल पे बेटा हमने प्रोटीन बनाना शुरू कर दिया इंसुलिन. उसको आइसोलेट किया, उसको प्यूरिफाई किया, उसके इंजेक्शन बनाए हैं और बेटा हम डायबिटिक पेशेंट्स को देते हैं लगा करके, ले भाई तेरे को इंसुलिन कम है ना, ले हमने बना के दे दिया. ये क्या है बताओ, ये है यूफेनिक्स. समझ रहे हो क्या? Yes, sir. एक, हाँ, इधर का जीन लाओ, उधर जीन डाल दो, ऐसा कर दो, ये कर दो. That is what the euphenics. You have to understand this. So there are a lot of examples we study in the biotechnology also. ठीक है? तो ये है बेटा GTP. ये मैंने GTP लिखा है. GTP. GTP क्या होता है भाई? है ना? GTP. Eugenics है. Genics, Thenics and Phenics. ठीक है? पक्का है? Sir, वो किसका नाम लिखा है? वो F. Galton. ये Eugenics जो है, जो concept बताने वाला जो बंदा है ना, इनको बेटा हम लोग एफ गैल्टन ये लिखा हुआ है. ठीक है? यस सर. अब आते हैं बेटा और दो टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं. एक है बच्चों फॉरवर्ड जेनेटिक्स और एक है रिवर्स जेनेटिक्स. चलो समझते क्या मतलब है. चलो मेंडल के बारे में बात करते हैं. मेंडल ने क्या देखा, पी प्लांट टॉल है, अच्छा, और ये प्लांट डार्फ है, बहुत बढ़िया. फिर लोगों ने क्वेश्चन पूछा, ये टॉल क्यों है, ये डॉर्फ क्यों है. तो मेंडल ने बताया, इसके अंदर टॉलनेस का जीनोटाइप है, इसके अंदर डॉर्फ. ओ हो, तो पहले फिनोटाइप देखो, फिर अंदाजा लगाओ जीनोटाइप का, फिर जीन, है ना, डीएनए ढूंढो, जीन ढूंढो, पता लगाओ क्या उन कौन है. इसको बोलते हैं फॉरवर्ड जेनेटिक्स. हम लोग पहले फिनोटाइप ऑब्जर्व करते हैं, देन वी गो फॉर द, है ना, इंटरनल डिटेल्स. यस और नो? पहले, है ना, बुक का कवर देखते हैं और बुक का कवर देखने के बाद में फिर अंदर जाके बेटा उसके पन्ने, है ना, इंडेक्स विंडेक्स देखने के बाद में उसको पढ़ना शुरू करते हैं. इसको बोलते हैं फॉरवर्ड जेनेटिक्स. करेक्ट है? यस सर. पक्का? इट इज द आइसोलेशन एंड सीक्वेंसिंग ऑफ दोज जीन्स हुज फिनोटाइप्स आर नोन. इसमें क्या होता है, हम लोग उन जीन्स को आइसोलेट करते हैं, उन जीन्स की स्टडी करते हैं जिनका फिनोटाइप, जिनका फंक्शन हमें पता है, नोन है. ठीक है? तो मेंडल का जो जीन जेनेटिक्स है या मॉर्गन भाई साहब का जो जेनेटिक्स है वो फॉरवर्ड जेनेटिक्स के कैटेगरी में आता है. उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड जेनेटिक्स. राइट नाउ यहाँ पे आपके सामने बेटा, है ना, रिवर्स जेनेटिक्स. यहाँ पे फॉरवर्ड जेनेटिक्स में आपको हमेशा याद रखना है फिनोटाइप आर नोन, हमें पहले से पता है.
ठीक है। अब देखो रिवर्स जेनेटिक्स आज के तारीख में यूज किया जाता है, मैं ये भी चीज आपको पढ़ाऊंगा। रिवर्स जेनेटिक का मतलब है कि हमने क्या किया, अब ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, ह्यूमन बींग का पूरा डीएनए निकाल लिया 1.1 मीटर बराबर है ना, पूरा निकाल लिया। चलो इसका सीक्वेंस करो रे सब लोग, हो गया सीक्वेंसिंग कर दिया एक बार, बट पता ही नहीं है डीएनए के कौन से पार्ट का क्या यूज है भाई। यस पता है क्या हमको, पता है नहीं पता। तो हमने एक एक फ्रेगमेंट, एक एक जीन उसका मैपिंग किया, उसका सिक्वेंस किया और फिर ढूंढ रहे कि इसका क्या फंक्शन है, इसका क्या फंक्शन है, ये कौन सा फिनोटाइप के लिए काम, ये ढूंढ रहे हम लोग। तो पहले सीक्वेंस बना लिया, पहले डीएनए निकाल लिया, ठीक है, और फिर पता लगा रहे कि ये पर्टिकुलर जो चीज है इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये वाली बात। सो इट इज द आइसोलेशन एंड सीक्वेंसिंग ऑफ द जीन्स हुज फिनोटाइप्स आर अननोन, जिसके फिनोटाइप हमें पता नहीं है, हमने वो भी निकाल लिए और हम ढूंढ रहे अभी, समझ रहे हो, ठीक है। Yes, तो इसमें आता है जीनोमिक्स। जीनोमिक्स मतलब पूरे जीनोम का सीक्वेंसिंग कर लेते हैं आप लोग, स्टडी ऑफ एंटायर जीनोम, ठीक है। इधर आता है प्रोटियोमिक्स, स्टडी ऑफ एंटायर प्रोटीन, सारे जितने प्रोटीन तुम्हारे बॉडी में प्रेजेंट है सब निकाल लेंगे, सब पता लगा लेंगे, ढूंढते बैठेंगे कि इस प्रोटीन का क्या फंक्शन, इस प्रोटीन का ढूंढते बैठेंगे, बाद में एक दिन पता चलेगा, कोई ना कोई पैदा होगा और वो पता लगाएगा, अरे अच्छा ये प्रोटीन हमारे बॉडी में ये काम करता है, ओह ऐसा है, दो इसको नोबेल प्राइज दो। आजकल नोबेल प्राइज इन्हीं को मिल रहे क्योंकि ये इतने छोटी चीजें हैं, है ना, मिनी स्केल पे यार, इनको देख पाना, इनको समझ पाना इतना आसान थोड़ी है कि नहीं। तो ये है बेटा रिवर्स जेनेटिक्स, आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। यस सर। सारी टर्मिनोलॉजी समझ गए, किसी में कोई प्रॉब्लम है पूछ लो भाई। सर मुझे हेरिडिटी और इनहेरिटेंस में डिफरेंस वो समझ में नहीं आया था। सिंपल है, तुम कहां जा रहे हो, है ना, ये हेरिडिटी है। मैं गांव जा रहा हूँ, मैं गोवा जा रहा हूँ, गोवा, अच्छा ये हेरिडिटी है। तुम जा रहे हो ना, तुम कहां जा रहे हो, वाई क्यों जा रहे हो, ये सब दूसरा क्वेश्चन हो सकता है। तुम कैसे जा रहे हो भाई, नाव पे बैठ के जाओगे, साइकिल से जाओगे, है कि नहीं, हवा में उड़ते हुए जाओगे, पैदल जाओगे, कैसे जाओगे, मिसाइल पे बिठा करके भेजेंगे गोवा, कैसे, हाउ, इसको बोलते इनहेरिटेंस, यही सिंपल है। The way, the phenomenon by which the heredity and variations, है ना, transferred from one generation to another generation is inheritance. उसको हम लोग inheritance बोलते हैं, ठीक है, हम लोग बोलते हैं, अरे क्रोमोजोम जा रहा है ये जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, क्रोमोजोम जाता है इसीलिए, ओके ठीक है, क्रोमोजोमल बेसिस है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है, धीरे धीरे समझेंगे। आपने अभी पढ़ाई है ना वो यूजेनिक्स, यूथेनिक्स वाली, नहीं सर उसके पहले, उसके पहले क्या था, उसके पहले क्या है, इनब्रीडिंग आउटब्रीडिंग, उसके पहले पेनिट्रेंस एक्सप्रेसिविटी, हाँ सर ये सर उसके पहले जीनोम जिनपुल सिबलिंग ऑफस्प्रिंग्स, उससे पहले वाइल्ड अलील म्यूटेंट अलील, उससे पहले डोमिनेंट अलील रिसेसिव अलील, उससे पहले फिनोटाइप जीनोटाइप फिनोकॉपी, उससे पहले होमोजाइगस हेटरोजाइगस हेमीजाइगस, क्या है, पहले तो बहुत कुछ है बेटा। सर आप हेमीजाइगस, हेमीजाइगस हेमीजाइगस बहुत आसान है, देखो किसी भी डिप्लॉयड में कितने अलील होते रहे एक जीन के, तो बराबर है ना, यस सर, बट किसी भी मेल में, ह्यूमन मेल में कलर ब्लाइंडनेस के अलील कितने होंगे बताओ, कौन बताएगा,
कलर ब्लाइंडनेस के अलील कितने होंगे? क्यों? क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस इज एक्सलिंक्ड जीन. एक्सलिंक्ड का मतलब क्या है? कलर ब्लाइंडनेस का जीन हमेशा एक क्रोमोसोम पे होता है. तो कलर ब्लाइंडनेस का अलील किसी भी मेल में एक ही होता है. कितना होता है? एक. वाई क्रोमोसोम पे वो होता ही नहीं है, तो मैं उससे होमोजाइगस बोल सकता हूँ क्या? नो सर. क्या उसे मैं हेटरोजाइगस बोल सकता हूँ क्या? नो सर. तो क्या बोलूंगा मैं? उसका दूसरा पार्टनर है ही नहीं. अब वो सेम होगा, दूसरा है ना, अलग होगा, ये मुझे पता ही नहीं. तो मैं बोलता हूँ ये हेमीजाइगस है, अभी सिंगल है. ठीक है. यस सर. बस यही है. बराबर. यस सर. ट्विन है. ट्विन ट्विन जो होते हैं, आइडेंटिकल ट्विन हो सकते हैं या फ्रेटरनल ट्विन हो सकते हैं. बट एक एक लड़का पैदा हो गया अकेला, तो वो क्या हो सकता है? वो तो ट्विन नहीं होगा. आइडेंटिकल ट्विन होमोजाइगस है ना. फ्रेटरनल ट्विन बेटा हेटरोजाइगस. समझ रहे हो? बट अकेला ही बच्चा पैदा हो गया, अब उसको भी जबरदस्ती आप होमोजाइगस हेटरोजाइगस थोड़ी बोलो. करेक्ट है कि नहीं? तो वो हेमीजाइगस है, अकेले ही आया है ना. यस सर. बढ़िया. सो लेट्स मूव अहेड. ठीक है. यहाँ पे देखो, ये सारी टर्मिनोलॉजीज अभी जो मैंने बात की है ना, ये तो इंट्रोडक्टरी बात थी. अब जैसे जैसे हम लोग आगे पढ़ते चले जाएंगे, यही चीजें बार बार रिपीटेडली आपके सामने आएंगे, रिपीटेडली आएंगे. ठीक है. बार बार यही बातें मैं बोलूंगा. आप देखो, मैंने ऐसा बताया था, मैंने वैसा बताया था, ये पढ़ा था, ऐसा होगा ये. ठीक है. सो बी केयरफुल. नाउ अब आता है बेटा रियल में चैप्टर शुरू. अभी होगा, अभी तक नहीं हो रहा था, अभी तक ऐसे था. ठीक है. चलो. हेरिडिटी एंड इट्स अ ट्रांसमिशन. अभी हेरिडिटी मतलब हेरिडिटी है, इट्स अ ट्रांसमिशन मतलब इनहेरिटेंस. इट्स अ ट्रांसमिशन का मतलब ही इनहेरिटेंस है. करेक्ट है? यस. yes. देखो, मैंने लास्ट क्लास में आपको एक बात बताई थी कि जब भी हम लोग जेनेटिक्स को पढ़ेंगे, हम उसको तीन हिस्सों में देखेंगे. पहला होगा प्री मेंडेलियन काल. ठीक है. दूसरा मेंडेलियन ड्यूरेशन. और तीसरा क्या होगा बेटा? पोस्ट मेंडेलियन. इन तीनों में सबसे डिफिकल्ट है पोस्ट मेंडेलियन मॉडर्न जेनेटिक्स. ठीक है. इन तीनों में पहला वाला जो है प्री मेंडेलियन, उसको इतना इंपॉर्टेंस देने की जरूरत ही नहीं है. इसमें सिर्फ एक ही थ्योरी है जिसको हम लोग कहते हैं थ्योरी ऑफ द है ना ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस. थ्योरी ऑफ द ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस. अब वो इसीलिए है क्योंकि इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं मैच होता है कहीं कहीं पे. वैसे भी ये भी कोई काम की है नहीं थ्योरी. ठीक है. थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस. अब प्री एंड मेंडेलियन इरा बहुत पुराना है यार. बहुत लोग इन्वॉल्व हुए है ना इसको. लगभग बेटा 500-600 साल का इतिहास है ना. लोगों ने अलग अलग कंसेप्ट दिए. किसी ने कहा कि है ना घोड़े दौड़ते चले जाते हैं, उनके बाल जब कीचड़ में गिरते हैं तो इन कीचड़ में गिरे हुए बालों से सांप बन जाते हैं. भाई ये क्या है रे? अरे पहले कमाल कर रहा है यार, है ना. ये कौन सा जेनेटिक्स है? समझ रहे हो आप? है कुछ भी है ना. लोगों ने अलग अलग कंसेप्ट बताए हैं. ठीक है. आज बेटा जो भी रिलीजन जो चीज एग्जिस्ट करती है वो इसी से जुड़ी हुई है. लॉन्ग हिस्ट्री है ना. आप बताओ ना, सारे सबका रिलीजन है. बहुत पुरानी बातें हैं. ये उतने तब हुआ था, तब हुआ था, कब हुआ था, नो वन नोस. ठीक है. बिलीवर्स आर देयर एंड बिलीवर्स आर फाइटिंग विद ईच अदर. मैं बिलीव, मेरा बिलीव सही है, मैच करेक्ट. सो वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट. यहाँ पे आते बेटा प्री मेंडेलियन थ्योरी ऑफ द है ना. इसको बोलते हैं एक थ्योरी ऑफ द ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस. इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. ठीक है. देखो, मेंडेलियन थ्योरी हम लोग बात करते हैं, मेंडेलियन कंसेप्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं, और फिर आता है पोस्ट मेंडेलियन या मॉडर्न. तो सबसे पहले चलो थोड़ा सा ये थ्योरी ऑफ ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस आसान है. इसमें क्या है, कुछ लोगों ने ये बताया ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस का कंसेप्ट कि देखो मेल और फीमेल इनके कैरेक्टर्स जो एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं इन द ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है. और ऑफस्प्रिंग्स में मतलब बच्चों में इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स आते हैं, इंटरमीडिएट फॉर्म हमको देखने को मिलते हैं.
देखो अगर कुछ कुछ कैरेक्टर आप लोग देखोगे तो वो आपको सही भी लगेगा, लगेगा कि नहीं? मतलब एक बच्चे में उसके माता के भी कैरेक्टर्स होते हैं, माँ के भी कैरेक्टर्स होते हैं, और है ना पिताजी के भी कैरेक्टर होते हैं, है ना, पैटर्नल कैरेक्टर्स और मैटर्नल कैरेक्टर्स। अब जैसे जैसे हमने आगे पढ़ा तो हमें ये पता चला कि मैटर्नल और पैटर्नल कैरेक्टर डेफिनेटली आते जरूर है, बट वो मिक्स नहीं होते, एक दूसरे में ब्लेंड नहीं होते, दैट इज नॉट ब्लेंडिंग। ऐसा नहीं है कि आपने कलर बॉक्स लिया, कलर ब्लॉक्स ले बॉक्स में से आपने ग्रीन कलर निकाला, फिर ग्रीन कलर के साथ फिर व्हाइट कलर निकाला, या तो आपने रेड कलर ले लिया और ग्रीन और रेड को मिक्स कर दिया और उससे एक नया कलर आया, ब्राउन कलर आया, कुछ कलर आया। सो सी दिस इज है ना, ये वर्क नहीं करेगा भाई, कैरेक्टर्स गेट मिक्स्ड, बिल्कुल ऐसा होता है। ठीक, तो इंटरमीडिएट फॉर्म्स आते हैं। अब आप कल लास्ट क्लास को याद है आपको, लास्ट क्लास में मैंने एक चीज बताई थी आपको, याद है मैंने तीन फ्लावर कलर बताए थे, रेड पिंक और बीच में है ना और व्हाइट वाला बताया था, और कहा था कि तीन कैरेक्टर, तो पिंक वाले को मैं इंटरमीडिएट कैरेक्टर बोलता हूँ, करेक्ट है? यस सर, है ना, दो ही रहा तो कॉन्ट्रास्टिंग, ऐसा बोला मैंने। ठीक है, अब ये इंटरमीडिएट कैरेक्टर्स बहुत सारे मौजूद होने के कारण ये थ्योरी थोड़ी सी चली, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये थोड़ा नजदीक पहुंचता है ना, इसीलिए। बाकी जितने भी कहानी कथाएं है वो कहीं नजदीक नहीं पहुंचते, दे आर नॉट रीचिंग टू क्लोज। ठीक है, हम लोग इन चीजों को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, हम लोग बिल्कुल इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप देख सकते हो कि अल्टीमेटली अभी देखो कोरोना जो है उससे बचने का क्या इलाज है, कौन बता सकता है? वैक्सीन ले लो, सही बात है, वैक्सीन ही लोगे ना कोरोना से बचने का क्या है, आप लोग कैसे कॉन्फिडेंटली बच सकते हो बताओ? वैक्सीनेशन से, क्या आप झाड़ फूक से, बिलीव करने से, ऐसे करने से? वो एक आधार है अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने का, ठीक है, दैट इज आर। बट देखो अल्टीमेटली तो हमें अब आता है कि वैक्सीन बना कैसे है, वैक्सीन बना है यूफेनिक्स से। यूफेनिक्स क्या है, हमने क्या किया है ना, उसका प्रोटीन आइसोलेट कर लिया, उसका आरएनए आइसोलेट कर लिया, आरएनए की स्टडी कर ली, उसके अलग अलग म्यूटेशंस को देख लिया। आजकल हम म्यूटेंट के बारे में पढ़ते हैं, बराबर है, कितने म्यूटेशंस उसके अवेलेबल है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा लैम्बडा सब आ गए है कि नहीं, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ द वेरिएशंस आर देयर, म्यूटेंट्स आर देयर। तो हमें पता है अब उनके निपटने के लिए हमें बेटा डेफिनेटली फिर से वही काम कर रहे हैं, तो उसी प्रिंसिपल्स पे बेसिस पे हम लोग वैक्सीन बना रहे हैं राइट नाउ। अब ये वाली थ्योरी रिजेक्ट हो गई, इट इज रिजेक्टेड मेनली बाय हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इतने लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए, इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। कैसे रिजेक्ट किया, देखो कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने काम किया, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था है ना जे कॉल रूटर। कॉल रूटर ने बेटा टोबैको प्लांट के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करके साबित किया कि भाई साहब है ना कैरेक्टर मिक्स नहीं होते यार, कैरेक्टर मिक्स नहीं होते, तेरा गलत है। उसके बाद गॉश, डी ग्राफ, नाइट, ये लोग हैं, इन्होंने भी पी प्लांट के ऊपर हाइब्रिडाइजेशन किया। देखो मेंडल पहला बंदा नहीं था जिसने पी प्लांट के ऊपर काम किया था, उसके पहले भी बहुत लोगों ने पी प्लांट के हाइब्रिडाइजेशन के एक्सपेरिमेंट किए थे। बट मेंडल क्यों ग्रेट था, क्योंकि इन लोगों ने पी प्लांट के ऊपर काम जरूर किया बट उनका काम हेटर्ड था। हेटर्ड मतलब दे जस्ट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ द ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस, बस उनका कार्यक्रम, हाँ इसको ये नहीं, ये गलत है, गलत बोल दो, बट सही क्या है ये तो बता, है ना, वो नहीं पता है, नो आइडिया। देखो ना आप, देखो ना लोग चर्चाएं करते हैं सोशल मीडिया पे, ये गलत है, इसने ऐसा नहीं करना है, वो गलत है, उसने वैसा करना चाहिए, है ना वैसा नहीं करना, ये सब। बट कंस्ट्रक्टिव बातें बहुत कम लोग बोलते हैं कि क्या करना चाहिए एग्जैक्टली, है ना, तो वहां पे एक्चुअली इंटेलिजेंस आता है। So they just rejected the theory of the blending, but couldn't explain the reason of inheritance. उन्होंने inheritance का कारण सही ढंग से नहीं बताया। तो क्या बेटा Mendel was the first person to be do the experiment on the pea plant? No, उसके पहले बहुत लोग थे यार। सबको समझ में आया कार्यक्रम? यार हमें ये सब नाम learn करने पड़ेंगे। अरे तुम इसी में लगे रहोगे जस्ट। बेटा देखो बहुत सिंपल है बेटा।
if you read them very carefully, you know, Gauss, graph, night, no need. मैं आपको फिर एक बार बताता हूँ बच्चों, फिर से सुनो। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उसमें जो चीजें आपको देखने को मिलती है एक्स्ट्रा, वो आपको याद रखनी है। जो चीजें आपको एनसीईआरटी में दी है वो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है ना? Yes. बाकी आपके सबकॉन्शियस में रह जाती है जब आप दो तीन बार चीजें पढ़ते हो। इनका यूज कब होता है? इनका यूज होता है जब हमें कभी जरूरत पड़ी तो एलिमिनेट करने में, ऑप्शन को एलिमिनेट करने में। तो हमारे सबकॉन्शियस में रहता है बच्चों, हम भूल जाते हैं, बट सडनली जब वो क्वेश्चन, वो वर्ड आता है तो हमें सडनली याद भी आ जाता है, अच्छा ये मैंने पढ़ा था, ऐसा होता है, करेक्ट है? यस सर। जब आप हर चीज को क्वेश्चन मार्क लगा करके पढ़ोगे, इसको याद रखना है क्या, इसको भूल जाना है क्या, तो डोंट डू दैट, है ना? यस, आते हैं, अब आते हैं मेन कायदे पे। मेंडल भाईजान जो थे हमारे, है ना, मेंडेलियन जेनेटिक्स, इनके बारे में बहुत हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है, ठीक है? देखो, इनका नाम था ग्रिगोर जॉन मेंडल, है ना, बड़ी इमोशनल कहानी है ना बेचारे इंसान की। 22 जुलाई 1822, मतलब वही महीना चल रहा है, अभी जुलाई महीना चल रहा है, देखो भैया हम जुलाई महीने में पढ़ रहे हैं, और 1822 कब कब की बात है भाई, अभी तो 18 हो गया है, है ना, 2022 आ रहा है, मतलब 200 साल बीत गए, है कि नहीं, पैदा हुए इनको, है ना, अभी कंप्लीट, ओके। तो देखो, ग्रिगोर जॉन मेंडल 22 जुलाई 1822, याद रखना आसान है, इधर 22 है, इधर 22, और आने वाली एग्जाम तुम्हारी 22 ही है, ठीक है? सो इट्स अ बेटर थिंग, यस। नेक्स्ट, 1843, है ना, वो थोड़े बड़े हुए, ही जॉइंड ऑगस्टिनियन मोनेस्ट्री ऑफ द ब्रुन, चर्च में गए, चर्च में, है ना। 1849 ही वॉज सेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ द वियना फॉर हिज ग्रेजुएशन। अब तब के जमाने में होता था यार ये लोगों को, है ना, कभी भी इच्छा हुई, जब मन हुआ तब कॉलेज में एडमिशन, वहां पे आज भी होता है ना, हमारे इधर वैसा नहीं है, 10वीं पास हो गया 11वीं में जाना चाहिए, 11वीं 12वीं हो गया कॉलेज में जाना ही चाहिए, ये सब हमारे इधर है, फिक्स है, ठीक है, आप बच नहीं सकते। सो बच गए तो फिर, है ना, फिर लोग, अरे ऐसा कैसा, घर में बैठा है, ये सब। ही वॉज सेंट टू द यूनिवर्सिटी ऑफ द वियना फॉर हिज ग्रेजुएशन। मजेदार बात यह है, 1854 रिटर्न बैक टू द चर्च अगेन, वापस आ गए, ठीक है, वापस आ गए फिर से। 1854 टू 1856 ये जो काल है, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट के, है ना, जो करना था उसका पूरा प्लान बनाया, मतलब आप सोच सकते हो सिर्फ 3 साल तो प्लान ही बनाया, हम लोग करते ना कल से करूंगा, कल से हो जाएगा, ऐसा प्लान बनाया, प्लान फॉर एक्सपेरिमेंट। Then 1857 to 1865, ये वाला चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये देखो, ये 7 से 8 साल उन्होंने लगा दिए आपके एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक्सपेरिमेंटल वर्क, ये क्वेश्चन आपको नीट में भी पूछा गया था। अब यहाँ पे आप सब लोग थोड़ा ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी में आपके इसी ईयर्स को 1856 टू 1863 ये दिया है, ये एनसीईआरटी में दिया है, यहाँ पे लिखा है, और यही चीज आपके नीट में क्वेश्चन में आई थी। जब आप किसी भी बाहर के पब्लिकेशंस में ये चीज पढ़ते हो तो आपको 1857 टू 1865 ऐसा ईयर दिखाया जाता है, बट राइट नाउ इट इज इंपॉर्टेंट, सिंपली 1856 टू 1863 एनसीईआरटी में लिखा है, है ना, कि उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंटल वर्क किया था और ये क्वेश्चन भी बेटा आया हुआ था। ये हो गया कार्यक्रम मेंडल का, दिख रहा है, आसान है, इजी है ना? यस सर, ठीक है, कुछ भी नहीं है, कब आए, कौन से कॉलेज गए, किधर गए, इतना कौन किसके बारे में जानते, पूरा एकदम फेसबुक प्रोफाइल बना दिया है, नाउ अंडरस्टैंड। ही शोड हिज वर्क टू नागेली, नागेली नाम के साइंटिस्ट थे भाई उस वक्त, बड़े ही फेमस थे, जाइलम फ्लोएम वगैरह इनके ऊपर बहुत काम किया था, और वो तुम्हारा एनाटॉमी वाले जो पोर्शन है उससे बड़ा काम किया था, एनाटॉमिस्ट थे खास करके, बॉटनिस्ट थे, इनका अच्छा नाम था, तब के वेल नोन प्रोफेसर थे। तो ये भाई साहब गए अपना एक्सपेरिमेंट लेके, भाई जा ले, मैंने तो काम किया है पी प्लांट पे, बड़ा ही चमत्कारिक काम किया, देखो देखो। तो ही सजेस्टेड
है ना, एक डिफरेंट प्लांट दिया, ले भैया मेरे गार्डन में ये प्लांट है इसको लेके जा। इसका नाम है हेराशियम, जिसको हॉकवीड बोलते हैं। अब ये हॉकवीड उनको दे दिया, भैया तुम एक्सपेरिमेंट करो। अब मजेदार बात बात बड़े ध्यान से सुनना सब लोग, मेंडल के सारे लॉज, मेंडल के एक्सपेरिमेंट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग प्लांट के लिए लागू पड़ते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले प्लांट्स के लिए बेटा वो है ना फेल्ड है। अब मजेदार बात ये हो गई कि नागेली ने जो प्लांट मेंडल को दिया था वो था पार्थेनोकार्पिक प्लांट, पार्थेनोजेनेसिस वाला पार्थेनोकार्पिक प्लांट। और आप तो समझते हो यार ये तो एपोमिक्टिक कंडीशन है, करेक्ट है कि नहीं? यस सर, पढ़ा है ना ये, तो इसीलिए मेंडल को रिजल्ट ही नहीं आया, फेल, मेंडल फेल, थक गया बेचारा, नहीं कर पाया, समझ ही नहीं आया उसको, ठीक है। तो देखो बाद में यहाँ पे 1865 में जैसे उन्होंने काम किया था, फिर भी 1865 में एनुअल हिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये सोसाइटी है, इसको उन्होंने ज्वाइन किया। और 1866 में एनुअल प्रोसीडिंग ऑफ द नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है, इसमें बेटा उन्होंने अपना जो भी पेपर है वो पब्लिश किया, ठीक है, पक्का है। तो उसमें उन्होंने पब्लिश किया पेपर। अब ये एनुअल प्रोसीडिंग्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ये जब पब्लिश हुई थी उसमें उनका पेपर का नाम था एक्सपेरिमेंट ऑफ द प्लांट हाइब्रिडाइजेशन, ये नाम था, ठीक है। बट उनके इस एक्सपेरिमेंट को किसी ने भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया, किसी ने भी बहुत ध्यान से देखा नहीं, या किसको ही उसको समझ ही नहीं पाया, ठीक है। और ये भी बड़े ही शाय थे, ज्यादा बोलते नहीं थे शायद, ठीक है, अपनी बात को सही ढंग से रहे रख नहीं पाए, सभी जगह से मना नहीं पाए, और बेटा खुद भी निराश थे क्योंकि जो हॉकवीड का प्लांट उन्होंने लिया था उसको लगा यार ये तो मेरे एक्सपेरिमेंट तो चौपट हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। सो ही वॉज कम्प्लीटली गॉन, मतलब उसको लगा कि बस हो गया यार, है ना, थक गया यार, और छोड़ दिया, छोड़ ही दिया कार्यक्रम। एंड 1884 उनकी डेथ हो गई, ही डाइड अननोन, अननोटिस्ड, अनरिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। अब ये किडनी के डिसऑर्डर से उनकी डेथ हुई थी, ये क्लियर है, ठीक है। सो नाउ दैट इज ऑफ द एंटायर स्टोरी ऑफ द मेंडल भाई साहब। अब देखो अगर आप इनकी पूरी कहानी देखोगे तो इन्होंने जो कुछ भी किया था इनको तो कोई गिनता ही नहीं था, मतलब है ना, अगर आप समझ लो ना कोई गिनने वाला है ही नहीं। सो पोस्ट डेथ, आफ्टर डेथ, ठीक है, इनके सारे कार्यक्रम जो भी है ना वर्क है उसको रीडिस्कवर किया गया, रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडेलियन वर्क इन 1900 हैपेंड, फिर से लोगों ने ढूंढा, कुछ लोग आए सामने आफ्टर 16 ईयर्स ऑफ हिज डेथ, 16 साल बाद, आप इमेजिन करो 16 ईयर्स कितना समय होता है, होता है कि नहीं होता है, मतलब आपकी एज कितनी है अभी है ना, है ना, तो इतने समय में तो एक जनरेशन आ गई, बराबर, एक जनरेशन आ गई ना, तो बच्चों इतने साल इनका वर्क धूल खाते पड़ा रहा, ठीक है, फिर नई जनरेशन आई, तुम जैसे लोग आए, उन्होंने देखा अरे दादाजी ने क्या करके रखा, देखो तो मैं भी करता हूँ, ऐसे करके ये लोग आए, युगो डी व्राइस, है ना, कार्ल कोरेंस एंड ईवी शेरमैक, ये तीन लोग, इनको क्रेडिट जाता है फॉर द रीडिस्कवरी ऑफ द मेंडेलियन वर्क, इन्होंने पुट फोर्थ किया, इन्होंने जोर लगाया, इन्होंने लोगों को चिल्ला चिल्ला के एक्सपेरिमेंट कर करके अच्छे अच्छे बेटा पब्लिकेशंस में पेपर्स डाल डाल करके इन्होंने सबको बताया कि देखो मेंडेल ने जो काम किया है वो बहुत ही जबरदस्त काम है, आप लोगों ने समझ ही नहीं पाए, ठीक है, आप समझ ही नहीं पाए, आप देखो, तब पता चला कि ही वॉज द फाउंडर ऑफ द जेनेटिक्स, इसीलिए उनको हम लोग अभी हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। तो एक एक के कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर बात करें, जैसे कि युगो डी व्राइस रिपब्लिश द वर्क ऑफ द मेंडल इन 1901 इन फ्लोरा, अब ये फ्लोरा बहुत वेल नोन जर्नल है, जैसे कि साइंस नेचर ऐसे जर्नल्स है, तो वैसे फ्लोरा नाम का जर्नल है, इसमें बेटा उन्होंने फिर से रिपब्लिश किया उनका ही पेपर, युगो डी व्राइस रिपब्लिश द वर्क ऑफ मेंडल इन
ठीक है, कोरियंस ये जो भाई साहब है इनका क्या कंट्रीब्यूशन है, जितनी अभी आप लॉ देखते हो ना, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ ये सारे लॉज एक्चुअली इन्होंने सजेस्ट किए हैं, मेंडल ने नहीं बोले, मेंडल थोड़ी बोलता है ये लॉ को लॉ, ये ऐसा लॉ है, लॉ नहीं, ठीक है, तो ये कोरियंस भाई साहब की देन है, समझ रहे हो आप लोग, ठीक yes, है sir. अच्छा अब आता है बेटा रीजंस क्या है फॉर इग्नोरेंस ऑफ द मेंडल्स वर्क, ठीक है, लोगों ने मेंडल को क्यों इग्नोर कर दिया, ठीक है, उनका उन्होंने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया था, ये सब क्वेश्चंस आते हैं नीट में, व्हाई ही सिलेक्टेड ओनली पी प्लांट, उनके वर्क को लोगों ने इग्नोर क्यों कर दिया, ये सब पॉइंट है, ठीक है, और वो लकी भी थे, लक भी था उनका, बैड लक तो था ही बट लक भी था, लक कहाँ पे था वो भी देखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे बेटा रीजंस फॉर द पॉइंट आज देख लेते हैं, देखो सबसे बड़ा पॉइंट है इग्नोर होने का, ही वॉज मच अहेड ऑफ हिज टाइम, ठीक है, उनके जमाने के लोग इतना सोच ही नहीं पाते थे कि ये क्या बोल रहा है, ठीक है, जैसे आज हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वर्ड बोलते हैं तो बहुत कितने लोगों को पता है क्या मतलब होता है इसका, नो मशीन लर्निंग कितने लोगों को पता है, ठीक है, जिनको नहीं पता वो इग्नोर कर देंगे, सो दैट इज मच अहेड ऑफ टाइम। दूसरा है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, वो खुद भी नहीं बोलते थे और उस समय उतना कुछ इंटरनेट ये वो वेब वगैरह कुछ नहीं था। तीसरा इनका सबसे ड्रॉबैक था, ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ द नेचुरल साइंसेस एज वेल एज स्टेटिस्टिक्स, तो उन्होंने मैथ्स और स्टेटिस्टिक्स को बायोलॉजी में बहुत तेजी से यूज किया, अब वहां जो पहले के वो जो बायोलॉजिस्ट थे वो ये सब यूज नहीं करते थे, तो उन्होंने सोचा ये क्या है यार, ये तो ईसोप किताब लगा रहा है ना, छोड़ो इसको, यूज ऑफ मैथ्स एंड स्टेटिस्टिक्स ये भी उनका एक्चुअली गले का फंदा बन गया, एक्चुअली बहुत एडवांस चीज। चौथा चीज है बेटा अनेबल टू प्रोवाइड एनी फिजिकल प्रूफ ऑफ फैक्टर एज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, देखो यहाँ पे साइंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप अगर बोले हो कोई चीज फैक्टर है जीनोटाइप होता है इसको कैपिटल टी बोलो बोल तू मैं सबको दू है ना इसको ये बोल दो उसको ठीक है मान लिया भाई तूने पेज पे लिख दिया बट दिखाना किधर है फैक्टर, तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस तब के जमाने में कैसे दिखाता ये बंदा, सही बात आप समझ रहे हो, यस सर, एबल था नहीं जीन यार, आज भी हम लोग नॉर्मली जीन देखना मुश्किल है तो तब कहाँ दिखा जाता, लोग तो चाहते थे फैक्टर बता किधर है, सो इट्स अनेबल टू सी। पांचवा पॉइंट है ही हिमसेल्फ वाज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हिज वर्क, क्यों है मुझे मैंने कारण भी बताया, वो खुद भी अपने ऊपर डाउटफुल थे है ना, है कि नहीं, यस सर, ये खता। और सबसे खास और भी है पॉपुलैरिटी ऑफ डार्विन, अभी उसी सेम समय में डार्विन ने ऐसा कंसेप्ट दे दिया दुनिया को, क्योंकि क्या था उस वक्त ये जो है ना चर्च और ये सब लोग जो है इनका डोमिनेंस ये जो बोलेंगे वही कायदा, अब ये जो भाई साहब डार्विन आया बोले नहीं 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 वो ईव एडम ये सब नहीं है एप्स से आए हम लोग अब यार आप तो जानते हो कितने जल्दी कितना आग लगा दिया, इसका यूट्यूब चैनल होता तो उस समय है ना मिलियंस ऑफ व्यूज एक ही दिन में आते थे, ना भैया ऐप से आते नया कंसेप्ट एकदम सही बात, सो पॉपुलैरिटी ऑफ डार्विन सेम टाइम पे डार्विन का जो कंसेप्ट जो उसने रखा ना ठीक है वो उसी समय रखा जब मेंडल ने काम किया, although the Mendel's work was actually much ahead, much greater than the Darwin's work, क्योंकि डार्विन ने ये बताया कि फेवरेबल वेरिएशंस रहते हैं सुटेबल होते हैं तो बच जाते हैं, मेंडल ने तो ये बताया कि वेरिएशन कहाँ से आते हैं वो देखना भाई मैं ओरिजिनल बात बता रहा हूँ ठीक है, तो इतना डीप जाके जो चीज बताई वो किसी को समझ में आई नहीं, डार्विन ने बताया अपोज किया नहीं ऐसा नहीं होता तो लोग खड़े हो गए, बिल्कुल सही यार गजब का कंसेप्ट है, इवोल्यूशन हुआ हम एप से आए हैं ये हो गया वो हो गया ठीक है, सो इवोल्यूशन का कंसेप्ट इतना मिसमराइजिंग था कि उस समय के जितने भी थिंकर्स थे फिलोसोफर थे साइंटिस्ट थे सबका ध्यान डार्विन की तरफ था, ऑल वे आर लुकिंग टुवर्ड द डार्विन एंड दे ऑल ऑफ देम इग्नोर्ड द फाउंडेशन वर्क ऑफ द मेंडल, दैट्स इट, आर यू श्योर क्लियर है, यस सर, है ना, तो बिल्कुल बेटा है ना जहाँ हवा चल रही है वही सही है ऐसा नहीं होता है ठीक है, थोड़ा इधर उधर देख लिया करो।
सो बेस्ट थिंग इज ये है रीजंस फॉर द इग्नोरेंस ऑफ द मेंडल्स वर्क. आगे चल करके हम लोग मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, उसका है ना अप्रोच, उसका एक्सपेरिमेंट, उसके लॉज, अब मेन चीज है जो अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास. तो आज बेटा हम लोग यहीं पे रोकते हैं. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय. थैंक यू सर. हाँ बेटा, सर आप ये मत नोट भेज सकते हो? भेजा है ना मैंने, लास्ट क्लास का मिला नहीं क्या आपको? हाँ लास्ट क्लास का मिल गया. तो मिले तो मैंने बोला ना सबका मिलेगा. यस सर, थैंक यू. सबका मिलेगा, ठीक है.